Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama from Karachi. क्या हाल है शाजी आपके? बस चल रहा है, अच्छा खासा, नॉट बैड. तो आप दिन काउंट कर रही हैं कि बस तीन चार दिन रह गए, देन यू विल बी बैक? आई एम काउंटिंग एवरी डे. मुझे लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा उसके ऊपर हूँ, एक दिन दूसरा दिन इतनी तेजी से गुजर रहा है कि आई नो इट्स थर्सडे और पता ही नहीं चला है. यस, और आप कुछ दिन में वापस चली जाएंगी, वापस परवाज. बट आई होप इस सफर इतना लंबा ब्रेक नहीं हो एंड आई कैन कम. आई होप सो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. कौन से ड्रामे हमारे पास आज? हमारे पास हैं काफ़ी ड्रामे. आज कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं. हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरी बारिश की जो है फोरकास्ट सही रही. हम सबको थोड़ी सी एक फुहार मिली, थोड़ा सा रोमांटिक मौसम मिला, थोड़ा सा चांस मिला कि बादल लोग सो रहे थे तब रोमांटिक मौसम मिला, पता भी नहीं चला लोगों को, उठे तब पता चला बारिश हो गई. आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं करी? नहीं की है. हाँ, तो बस उतना चांस मिल गया ना आपको, विंडो दे दी अल्लाह मियाँ ने, हाँ, कि आप कर दें कुछ. तो बस ठीक है, नाउ वी आर बैक टू द सन. ठीक है, हमारे पास हैं आज एहरामे जुनून, नीम, तुम्हारे हुस्न के नाम, जिंदो, जैसे आपकी मर्जी, मैं, झोंक सरकार एंड काबली बुलाओ. चलें, कौन से ड्रामे से आपने स्टार्ट करना है? अनलेस आपके पास कोई और बात है करने के लिए तो आप कुछ और. मेरे पास बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन अभी पता नहीं क्यों माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ हुआ है, तो इसलिए आई थिंक वी विल जस्ट कीप द कैमरास रोलिंग. नहीं नहीं नहीं, ये पता है, ये वो चीज़ है. अब जब शाजिया को पता चल रहा है कि जब आप ऑफिस में होते हैं तो कितनी चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए आपका दिमाग जो है वो ब्लैंक हो जाता है. जो आप मुझसे शिकवा करती रहती हैं कि तुम क्या आती सा ड्रामों में जंप करना शुरू कर दी, तो मुझे पता ही है बात. आज कौन सा ड्रामा का पे? तीसरा ड्रामा का पे ना हमारा. हाँ, मैंने बातें करी थी ना पिछले, क्योंकि वो दो दफा फ्रेश थी ना, अब आप बाकी इस जगह पे बस गई हैं, अब आप उस उसमें आ गई हैं. मैं आई विल नॉट अलाउ माय सेल्फ टू गेट इन्फेक्टेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग. यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड. आई विल बी द शाइनिंग स्टार हु विल ऐड समथिंग डिफरेंट. कल आप देखें क्या हो रहा है ऑफिस के अंदर, आप देखिएगा. डजंट मेक अ डिफरेंस. एक तो शाजिया की कंटेंट की टीम आ रही है पूरी अंदर, उसके बाद हम सबको पकड़ के बिठाएंगे और सबसे कहेंगे जरा वेबसाइट के लिए आईडिया. डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आज ड्रामा गप पे शाजिया के पास कोई और बात करने के लिए नहीं थी. और ये है अफेक्ट जब आप ऑफिस में होते हैं और 10,000 चीजें आपके सर पे होती हैं. एडमिटेड शाजिया, नेवर 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 एवर एवर. ठीक है, नॉट. अब मैं सोच रही हूं, अभी जल्दी जल्दी सोच रही हूं, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं सही हूं. हां, थैंक यू. Let's go to the dramas. ड्रामे के ऊपर बहुत बातें होंगी आज. हाँ. ये होगा इसलिए राबिया मैंने जान के नहीं किया, मुझे पता है यहाँ से निकली है यार, ड्रामे पे ज्यादा बातें. अभी हम अबू धाबी और दुबई की ड्राइविंग लिमिट पे भी बात करेंगे, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है आपके लिए. अच्छा, हाँ, ओके. और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्या बात करें तो देखते रहिए ड्रामा का. अबू धाबी और दुबई की स्पीड लिमिट पे क्यों बात हो रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो कॉमेंट्स में अभी लिखें बिफोर यू गो टू दैट पॉइंट. बिल्कुल जी. सो वी स्टार्ट विद एहरामे जुनून. ठीक है, ओके. दो किस्तें थी, मैंने जरा जल्दी जल्दी में देखी हैं, लेकिन सो शानी का हिज अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाज वेरी सैड. आई डिडंट वांट दैट टू हैपन, आई वांटेड हिम टू कम टू अ डिसीजन. वो नहीं आ रही मुझ पे तो ना, बिल्कुल भी सैड, कोई मुझ पे सिंपैथी उसके लिए नहीं आई, कुछ भी नहीं. आई वाज जस्ट वाचिंग इट लाइक दिस. हां, सिंपैथी नहीं आई मुझे, मतलब अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूं कि मैं शानी से थोड़ी बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन होता, आई थिंक खत्म हो गई. नहीं, जायज़ है कि हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रखें कि तुम्हें सजीला कह रही है कि नहीं तुम उससे सब कुछ ले लो, कह रही है नहीं तुम उसे छोड़ो नहीं. अभी भी आपको सजीला की रियलिटी नहीं पता चल रही है और आप जो है सिर्फ एक साइड से पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं. तो अब मैं ज़रा थक गई हूँ इस चीज़ को लेके ना कि आपको और देखें एट द एंड तो आपके हाथ में था ना, आपको सजीला चाहिए थी तो आपने सजीला की बात मान ली कि मैं शादी से शादी कर लेता हूँ कि मेरे पास पैसे आ जाएं और फिर मुझसे तुम शादी कर सको. तो आप जो बाकी सब पे ब्लेम कर रहे हैं, एक्चुअली तो आपकी अपनी भी नीयत इसमें यही थी ना. तो आखिरी किस्त आ रही है एंड मेरा सवाल ये है, क्या ये सब कुछ थोड़ा जल्दी, क्योंकि हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि शानी एक डिसीशन करेगा कुछ करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ. अब आखिरी किस्त में आप क्या दिखा देंगे ऐसा? मुझे लगता है शान से छोड़ के चली जाएगी एंड आई डोंट नो फिर क्या होगा. सजीला पैसे भी छोड़ के चली जाएगी शानी के लिए. हाँ, और वो सजीला को भी तुम सही कह रही हो, पता नहीं क्या होगा क्योंकि वो इस पॉइंट पे तो आया नहीं है कि उसको शानजे की कदर आ जाए या उसको सजीला की रियलिटी पता चल जाए. और सजीला तो बिल्कुल भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी माँ से बिल्कुल. लेकिन सजीला ने अपनी माँ से ये कह दिया कि अगर
फुप्पो नहीं आएंगी हाँ। तो मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन ये वो बात क्यों कह रही है, क्योंकि पता है फुप्पो के साथ पैसे और फुप्पो फिर घर में आने देंगी या वो, बिकॉज सजीला का इतना अच्छा दिल तो नहीं है। नहीं, सजीला ना इज वेरी क्लियर, उसको ना हर चीज चाहिए, तो वो इज्जत से जाना चाहती है। वो कह रही है नहीं भाई, वो उसका अपना एटीट्यूड है ना, वो नीचे दबके क्यों रहे। वो कह रही है मैं आऊंगी तो मैं पूरी पावर के साथ आऊंगी, ताकि कोई भी कुछ ना कह सके। फिर तो अगर फुप्पो लेने आ जाती है रिश्ता, फिर तो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड ना। सो आई हैव टू से कि जो हमारे प्रिडिक्शंस थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे शानजे छोड़ के चली जाएगी, उसको शानी को पता चल जाएगा कि सजीला कितना डबल गेम प्ले कर रही है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। खावर और उनकी भी शादी है, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो धमकी दी है, तो आई थॉट कि वो नहीं करेगा सजीला से शादी, जो उन्होंने धमकी दी है इसको शानी को कि मैं छोड़ दूंगा नादिया को, वो भी नहीं हुआ। उसने तो इनफैक्ट उसके फौरन बाद कॉल करके उसे बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी निकाह करते हैं। वो तो सजीला ने मना कर दिया। सो आई ऑल्सो एम एक्चुअली नाउ तुमने बोला तो मैं क्यूरियस हूँ कि इसकी एंडिंग क्या होगी, इसकी एंडिंग क्या होगी। आई एम क्यूरियस। कहते हैं ना वो पूरे ड्रामे में हम रो रो के गुजारते हैं, लेकिन फिर भी हमें एंड देखना, जस्ट टू फाइंड आउट कि एंड में होगा क्या। तो आई थिंक एहरामे जुनून में वो है हमारा। हाँ, which is sad actually, बट एक चीज़ ये अच्छी हुई कि खावर ने अपनी बीवी को सारी बात बता दी है, तो आई एम जस्ट ग्लैड कि नाउ। और थोड़ा सा वो हुआ कि खावर को अभी तक हम बड़ा मैनिपुलेटिव समझ रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे एक हल्की सी झलक आई कि वो शांति से कहता है कि नहीं मैं कंसर्न्ड हूँ आपके लिए, फिर शांति से कहती है क्योंकि पैसे की फिक्र है, तो भाई तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी वापस। तो लेकिन सॉरी मैंने ये पार्ट क्योंकि नहीं देखा था, खावर ने नादिया को बता दिया कि मैंने शानी से ये कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, उसने ये नहीं बताया। हाँ, ये तो नहीं बताया। नहीं, उसने ये बताया कि मैंने शानी से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, स्टोर उसने करवाया है, और ये कि हाँ मैंने ये सब स्कीम की थी क्योंकि मैं चाहता था उसे सजीला से शादी ना करे। डू यू थिंक वो उसको धमकी इसलिए दे रहा था बिकॉज ही जस्ट वांटेड कि शानी ना करे सजीला से शादी, और ही रियली मेंट इट कि वो, आई मीन डज ही हैव एनी फीलिंग्स फॉर नादिया? क्योंकि मुझे लगता था है नादिया से तो वो सिंसियर है, वो सिर्फ ये चाहता था, उसको डर ये कि अगर शानी ने सजीला से शादी की तो शानजे उससे पैसे ले लेगी, तो शानजे ने उसको काम डाउन कर दिया और बोल दिया कि यू डोंट नीड टू इंटरफेयर, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ मी, and I will not take the money back from you. So, Khawar is your grey character here then? नहीं नहीं black ही है, एक हल्की सी एक नुक्ता सा कुछ नज़र आता है दूर से, अगर आप चश्मे लगा के देखें बहुत गौर से तो कुछ नज़र आ जाता है, magnifying glass. ठीक है, आगे चलते हैं। नीम के, नीम, अच्छा जी, तो सारे सोते धोते ड्रामे पहले कर लो, सॉरी हम खुद भी तो सो रहे हैं, थोड़े थोड़े हम भी तो जाग रहे हैं। अच्छा, तो नीम में एक्चुअली यही है कि ह्यूमन साइड ऑफ हाउ वी कैन सी ज़िमल, ज़िमल, अ ह्यूमन साइड ऑफ ज़िमल वी कैन सी, विच आई एम लाइकिंग, आई लाइक द फैक्ट कि वो, और उसके पास कोई है, कोई इंसान है जिससे वो बात कर सके, एंड दैट इज़ नॉट द पर्सन वी थॉट शी विल टॉक टू। भाई से बात नहीं करी, उनके भाई भाभी से बात नहीं करी, लेकिन आई एम एक्चुअली ग्लैड कि किसी से करी, एंड कितनी अच्छी बात दिखाई कि उन्होंने खुद ही गैस किया प्रोफेसर ने कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि ऑल दो आई एम फाइंडिंग नीम टू बी वेरी स्लो, एंड मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं नीम को देखती हूँ कि उसकी एग्जीक्यूशन इससे बेहतर होती, तो दिस ड्रामा कुड हैव बीन वेरी इम्पॉर्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग पीस, लेकिन क्योंकि वो इतना स्लो है और इतना प्रीची हो जाता है कि उसकी व्यूअरशिप आपको नहीं नज़र आ रही है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि शाजिल का पूरा प्रोसेस उन्होंने ऐसा दिखा दिया है दैट इवन वी आर लाइक के येस इट्स बेटर फॉर ज़िमल टू लीव हिम, क्योंकि अभी भी जब वो वापस आया अपनी नई दुल्हन को लेकर तो देर इज़ अ डिस्टेंस, देर इज़ अ कोल्ड कोल्डनेस, कोई वो है लग ही नहीं रहा कि ज़िमल उसकी बीवी है, और वो कुछ कोशिश भी नहीं कर रहा है, विच वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू सी दैट, एंड यू नो, और फिर वो इतने हौसले से ये बात कहती है और वो सब हैरान होते हैं, वो उसे कोशिश करता है रोकने की, बट ज़िमल देन वॉक्स अवे, एंड व्हेन शी इज़ वॉकिंग आउट वो बच्चा उसके साथ हाथ पकड़ के जाता है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है, तो वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, लेकिन मुझे एग्जीक्यूशन में ये अच्छा लगा कि उन्होंने शाजिल की वो साइड आपको दिखा दी दैट यू नाउ अंडरस्टैंड कि ज़िमल की पोजीशन नहीं है, विच इज़ अ रियलिटी ऑफ मे बी मैनी टाइम्स एक मर्द और दो औरतें कि शायद एक की कमी, बट ही ब्रॉट हर टू दैट पॉइंट, ही ब्रॉट हर टू दैट पॉइंट, एंड आई एम ग्लैड दैट शी सेड इट, सो आई एम ग्लैड कि ज़िमल और प्रोफेसर की जो कॉन्वर्सेशन थी दैट जस्टिफाइज एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड, उसने अपने आप को बिल्कुल बेचारी नहीं बना दिया, उसने कहा मैं नहीं करती, वो मुझे उस पॉइंट पे लेकर आया कि मुझे करना पड़ा, अगर वो ये नहीं कहती, वो कहती कि नहीं मैं अपनी दिल की अच्छाई की वजह से या मेरा उसने ये, तो शुक्र जहाँ वो प्रीची हो रहा है नींद
वो ये दिखा रहा है कि एंड आई थिंक फॉर हर टू से दैट आल्सो वाज अ बिग डील बिकॉज़ शी हैडन एडमिटेड दैट. उसने अपने भाई भाभी से भी नहीं किया था, वो अपने से एडमिट नहीं कर रही थी, अपने आप से भी एडमिट नहीं कर रही थी. तो ये बात मुझे एंड एक्चुअली फॉर मी दैट पॉइंट वाज द क्रक्स ऑफ द एंटायर एपिसोड. बाकी सब यू आर राइट वाज वेरी स्लो. हाँ, जिमल की स्माइल बीच बीच में आ रही थी, वो अच्छी लग रही थी. अच्छा, हम उनकी तरफ जा सकते नहीं, लेकिन इसमें ये बात तुमने सही है, मुझे उसका जुमला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि वो जो उसने बात बोली ना वो शाजिया इतनी इम्पोर्टेंट थी कि हम औरत को एक चीज उसके हाथ में नहीं है उसका उसका जुर्म बना दिया. उसने कहा उसने मुझे फोर्स किया कि मैं ये करूं वो, और उसने पूरा बताया भी कि वो कैसे कोल्ड हो जाता था, उसका उसका कनेक्शन ही रहा था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए आई वांटेड कि लोग इसको सुने. शायद सुनते तो कुछ को एहसास होता कि कभी कभी जब हम ऐसी सिचुएशंस में औरतों को कॉर्नर कर देते हैं तो क्या होता है. तो वो था कमेंट करा. एंड ऑफ कोर्स सॉरी, एंड आल्सो विद दिस पॉइंट आई वांटेड टू पिक अप जिमल सेल्फ एस्टीम, कि जिमल ने जब शादी कराई उसकी तो इसलिए नहीं कराई बिकॉज उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, इसलिए कराई बिकॉज शी डिडंट वांट समवन टू ट्रीट हर और लुक एट हर, बिकॉज शी सेड उसने बात करनी छोड़ दी थी, मजाक करना छोड़ दिया था. शी डिडंट वांट टू बी दैट पर्सन इन हिज लाइफ. So उसकी एग्जिट बड़ी ग्रेसफुल है. हाँ, बहुत ग्रेसफुल थी. अच्छा, सो करामत इज नियरिंग हिज एंड बिकॉज अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, उसको पता चल गया है. लेकिन आई थॉट कि वो पकड़ लेगा उन दोनों को जिन्होंने बताया. मुझे भी हैरान हुई क्योंकि वो लास्ट कॉन्वर्सेशन उसने उनकी सुन ली थी, फिर भी ही अभी तक उसने ही हैजंट पुट टू एंड टू टुगेदर. तो उसको नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि उसको पता है कि करामत ने उसे अगवा किया, बट ही डजंट नो कि वो उसके बंदे के भाई ने बता दिया है. और असद भी निकल गया है जेल से. So that is also अब थोड़ा सा progress हुआ because अब काफ़ी जुल्म हो चुका है, हम देख चुके हैं. So we want to see the story. उनका हमें नहीं पता उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, करामत तो शादी करके भेज दिया. हाँ, बस वो आउट ऑफ द सीन हो गई है बिल्कुल. तो ये है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उनको छोड़ेगा बिकॉज आई थिंक जिन्होंने आप खुद ही प्रिडिक्ट करते हैं ना कि बीवी से कहा था कि यू नो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कि ये जाएंगे. एंड वो जब वो कहते हैं ना कि बार बार जब आप मर्डर्स करते हैं या आप इस तरह के क्राइम्स करते हैं तो आप उसी में पकड़े जाते हैं, अगर नहीं करे शायद ना पकड़ा जाए. आई डोंट नो, आई एम प्रिडिक्टिंग नहीं, क्योंकि वो सीन दिखाया तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस तो होगी कि वो अपनी बीवी के पास उसने वो पूरी रिकॉर्डिंग रखवाई है, सब कुछ भी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन होगा. एंड उसमें वही कनेक्शन है कि करामत जो अपने आप को समझता है कि ही कैन डू एवरीथिंग, और वो तो वो जब इनको मारेगा या जो भी इनके साथ विक्ट्री करेगा वो समझेगा देखा मैंने फिर हरा दिया एंड देन दिस विल कम आउट. सो वी वेटिंग फॉर दैट. अर्शद अभी तक अकड़े में और वो कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चेंज होगा, उसको समझा रहे हैं सब, बट ही इज नॉट चेंजिंग. वो थोड़ी सी स्लो चल रही है स्टोरी, लेकिन बहुत स्लो चल रही है. कह रहा है कि तुम वापस जाओ, आई थिंक ही इज टेलिंग हिम. तो वो कब होगा, कैसे होगा, बट वो भी जा रही है कश्मीर, वो भी जा रहे हैं, आ जाएंगे कश्मीर, तो अब आई थिंक वहाँ से कहानी. इट इज़ सैड राबिया, जब हम ड्रामों में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो वाली कहानी कब शुरू होगी, वो ड्रामास शुड नॉट ब्रिंग अस टू दैट पॉइंट कि ये कब मिलेंगे. टीज़र में भी शायद नहीं बताना चाहिए ताकि क्यूरोसिटी रहती और फिर हम हैरान होते ओह ये होगा. तो वो अच्छा आपका इंटरेस्ट रहता है, नाउ वी न्यू ऑलरेडी कि शाजिल से हट के यहाँ तक भी नहीं देखते अगर हमें पता नहीं होता कि वो आ रहे हैं. Not that it's a bad narrative, but it's a slow narrative. अब तो हम इंतजार कर इस एपिसोड में मिलेंगे, इस एपिसोड में मिलेंगे. So this is a very interesting point जो तुमने रेज किया है. It's a slow and it's a preachy narrative, to be honest. But it's a good attempt, and I think we are supporting that. That's why that's the reason we are doing it. हमने और बहुत से ड्रामों को छोड़ दिया क्योंकि उसमें हमें reason नहीं नजर आ रही थी कुछ भी support करने की. इसमें yes we do have problems with few things, but there are some good things also that I feel we should support. Of course, of course, can be done better though in order to bring the message out. लेकिन way anyway. better. चलें जी. So कहिए जी, तुम्हारे हुस्न के नाम अनदर स्लो ड्रामा, सॉरी. अच्छा, लेकिन मैं किसी से बात कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो पुराने गाने भी हैं उसमें, तो वो एक स्लो फील भी है. तो ग्रीन की ये बात है, आई हैव टू से कि उनके जितने उन्होंने ड्रामे लगाए हैं ना, दिस इज़ नॉट अ ग्रीन पीआर और एनीथिंग, बट आई जस्ट फील कि दे आर अपीलिंग टू डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट सेंटिमेंट्स. सो जो आपको अच्छा लगेगा वो शायद किसी और को अच्छा ना लगे, लेकिन आप देखेंगे तो बड़े दिल से देखेंगे क्योंकि यू विल से ओ ये तो बड़ा डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द अदर ड्रामास. लेकिन मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ग्रीन का नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे. तो ये जो दो दोस्तों के दरमियान कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना और ये साजिश, ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड उस चीज़ से. मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये देखूं, और वो भी इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग दोस्त, इतनी अच्छी दोस्त, अब वो बिल्कुल दूसरे. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो जेलस होती उसे, ठीक है,
लेकिन वो जो कर रही है ना, आई विश कि वो नहीं दिखाते, उसका जेलस होना दिखा देते कि उसको दुख हो रहा है कि इस बंदे से मैं शादी करना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरी दोस्त को मिल गया, उसका सेल्फ जो भी एनालिसिस है या टॉक वो दिखा देते, उसका वॉइस ओवर जो भी, लेकिन वो ये कि वो इस हद तक जा रही है कि नहीं, अब वो अभी भी वो कह रही है कि मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी मैं नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ भी इसके साथ भी बुरा करूंगी, सलमा के साथ, दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, और एक्चुअली उसकी जो दोस्त है ना, उसमें कोई हमने ऐसे शेड्स देखे नहीं, जब शुरू से जब उन्होंने दिखाया भी तो हमें We didn't, अब कभी कभी होता है ना कैरेक्टर का, आप कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट रखें, लेकिन यहाँ हमें सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं लगा, बिकॉज शी लुक रियली नाइस, सो मतलब वो यही दिखा सकते थे कि प्रोजेक्ट्स में कंपेटिटिव है, या वो स्कॉलरशिप में कह रही है नहीं मैं भी आऊंगी, या मेरी पेंटिंग, ऐसा कुछ भी आपने नहीं दिखाया, वो तो बड़ी सपोर्टिव उसके साथ, दोनों चाय पी रही है, घर पे खाना खा रही है, उससे आप उसको बिल्कुल टॉक्सिक बना दिया, तो वो भी इस हद तक इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, लेकिन वो क्यों गए थे, गायब हुए थे, मुझे समझ नहीं अभी तक नहीं बताया अगेन, सो उन्होंने आपकी क्यूरोसिटी बिल्ड की हुई है और कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है और वो दूसरी जगह से उसको स्कॉलरशिप मिल गई है जो वो जा रहा है, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने कुछ किया है, तो आई वाज थिंकिंग शायद तुम्हारे बाप वाली बात जो है वो सही है, उसने कुछ किया हो, मे बी बाप स्कॉलरशिप तो नहीं रिफ्यूज कराएगा, आतिफ रिफ्यूज कराएगा, लेकिन बाप भी लग रहा था कुछ किया, इसने शायद मैंने गलत गेम खेल लिया, he said that also. तुम बार बार बाप को कह रही हो मैं अभी भी बाप के साथ हूँ, मैं सोच रही शायद बाप ने नहीं किया, I will be very disappointed अगर बाप ने किया, but what did you think of the शादी वाली रात का सीन, वो जो पूरा करता है, एक तो वो सीन बड़ा ही वो सीन, आई वॉज थिंकिंग कहाँ तक जाएंगे, अच्छा एक नई चीज़ जो करी है इन्होंने लिखा हुआ है कि वायलेंस इज़ नॉट, जो भी उन्होंने वहाँ लिखा हुआ था, तो वो बार बार डिस्क्लेमर डाल रहे हैं, विच इज़ वन स्टेप फॉरवर्ड इन आर ड्रामास आई फील, हाउएवर उन्होंने वायलेंस सीन भी ऐसा किया कि वो नहीं डालते, तो राबिया आई वॉज अ लिटिल टू माइंडेड, बाद में भी जब उसने थप्पड़ लगाया था, मैंने उससे पूछा भी था, आई एम नॉट फॉर थप्पर्स, आई एम नॉट फॉर एनी थिंग, बट उन्होंने दिखाया है दैट दिस मैन इज़ क्रेजी एंड ही इज़ ब्रेकिंग हर स्पिरिट कम्प्लीटली, जो ठीक है बहुत सारे ड्रामों में हमने देखा, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन ज़रा बेहतर हुई हुई है नॉर्मली, सो ठीक है, आई थिंक इट वॉज द शॉक दैट शी गॉट एंड द शॉक दैट वी गॉट दैट दे वॉन्टेड टू शो, अगर टीजर में नहीं दिखाते तो ज़्यादा शॉक होता मुझे। सो तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, इट वॉज ओके व्हाट दे शोड, बिकॉज दे शोइंग हाउ क्रेजी ही इज़। या एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से हियर कि जो हम बात कहते हैं ना कि कैरेक्टर में आपने कुछ पहले नहीं दिखाया, अब यहाँ आपने कैरेक्टर में शुरू से ही उस बंदे का एक नैरेटिव इस्टेब्लिश कर दिया था, वी ऑलरेडी न्यू इवन बिफोर ही गॉट इन्वॉल्व विद सलमा, या जब सलमा के साथ शादी से पहले हमें बिल्कुल पता था ये बंदा कैसा होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब कुछ करेगा, और हमें पता था वो ईगो के लिए शादी कर रहा है, उसकी ईगो की बात है, नॉट रियली लव, वो जीतना चाहता है उसको, तो ये जो जब हम बात करते हैं ना कि नैरेटिव में कैरेक्टर को आपने कैसे बिल्ड किया, तो ये एक यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थप्पड़ मारेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बदतमीजी करेगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसको इसी तरीके से पेश आएगा उसके साथ, यू नो, पेंटिंग उठा के जैसे उसने फेंकी है, थोड़ा एक्सट्रीम पे हो गया, लेकिन क्योंकि वो उसको चैन से नहीं रहने दे रहा, वो बस उसको हर जगह कचोके लगा रहा है और कह रहा है कि तुम्हें कोई चीज़ अगर सुकून देती है, प्लेजर देती है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ही वांट्स टू कंट्रोल हर आई गेट इट, ही वाज ऑलवेज ट्विस्टेड एंड अब उसका सब नजर आ रहा है, क्योंकि अब शादी ही हैज समवन ही कैन कंट्रोल, लेकिन आई हैव अ प्रॉब्लम विद सलमाज नैरेटिव, क्योंकि सलमा को आपने बहुत आउट स्पोकन दिखाया था, ठीक है आप कहीं उसकी स्पिरिट ब्रेक हो गई, सब कुछ हो गया, बट आई फील शी वॉज आई अ गर्ल हु कुड स्पीक अप फॉर हर सेल्फ, ये यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं कह रही है, शी इज़ क्वाइट, हाँ वो उसकी वजह से, सिकंदर की वजह से भी अगर ब्रोकन है, आई स्टिल एक्सपेक्टेड हर, बिकॉज आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लड़की को दिखाते हैं जो बिल्कुल टूट पड़ती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मुझे लगा सलमा एक नॉर्मल लड़की है जिसके बाप ने उसको थोड़ा सा वो दिया हुआ था, वो कोई ऐसी ज़्यादा बोल्ड या वो मुझे नहीं लगी, मुझे ओके लगी थी नॉर्मल लड़की, उसकी दोस्त भी उतना ही बातें करती थी जितना वो कर रही है। नहीं, उसने कैसे जवाब दिया था उसको आर्ट स्कूल में भी जब तो उसके दोस्त को भी जहाँ लगता वो करती ना बात, तो वो तो दोस्त उसके इन फेवर थी तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा रही थी, वरना दोस्त भी इतनी ही मतलब कॉन्फिडेंट और इतनी ही आउटगोइंग थी जितनी कि ये थी, लेकिन इधर Because of what happened with सिकंदर, मुझे लगता है उसका स्पिरिट बिल्कुल टूट गया, उसको अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदगी हुई है, वो खुद उस दुख में है, कभी कभी आप एक दुख में होते हैं ना तो यू लूज होप फ्रॉम एवरी वन, सो नाउ शी इज थिंकिंग कि ओ ये मैंने किया तो मेरी सजा है कि मुझे ये मिला, ये इस तरह की बात मुझे लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो ये आपकी डिफाइंट स्पिरिट थी जो हमने देखी थी, आपको डिफाइंस भी नहीं नजर आ रही, वही तो नहीं नजर आ रही, कभी-कभी आप थोड़ा सा नजर आता है, नहीं कहीं आप खामोश हो जाती हैं डिफाइंस में, यहाँ पे आपको खामोशी डिफाइंस में भी नजर नहीं आ रही,
तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को सज़ा दे रही है और वो अपने माँ बाप को भी शायद सज़ा दे रही है. कभी कभी आप सब कॉन्शियसली ये चीज़ें कर रहे होते हैं. सो मैं हैरान नहीं हूँ, मैंने एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन मैं बाप से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि माँ ने पिक कर लिया है कि ये चीज़ गलत हो रही है, बाप अभी भी नहीं. हाँ बिल्कुल. आई वॉज सो सरप्राइज्ड that how could he say that? I was expecting that he would say something. Because I think Bap has a very big ego, so he's in denial. He doesn't want to admit that he has made a mistake because he says ki ya to meri jo wo tha game wo galat ho gaya. Is kisam ka koi dialogue aata. एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग था जब वो कहते हैं कि नहीं वो नई नई शादी हुई है इसलिए उसने नहीं अलाउ किया उसको. दिस डायलॉग ना राबिया, अदर देन द फैक्ट कि द अम्मा पिक्ड इट अप, इट्स अ गुड डायलॉग. आई फेल्ट कि हमारे ड्रामों में ये कम दिखाते हैं. सो दिस वाज अ ग्रेट अवेयरनेस. नॉर्मली वो ना बेटी कह रही होती है और वो दामाद जो है वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं रुकेगी वट एवर, एंड सब कह रहे होते हैं हाँ बेटा चली जाओ. नो बडी अंडरस्टैंड्स द एक्सप्रेशंस दैट द गर्ल इज गिविंग आउट. यहाँ द डिफरेंस इन तुम्हारे हुसन के नाम इज कि दे आर ट्राइंग टू रीड हर एक्सप्रेशंस एंड दे थिंक शी इज नॉट हैप्पी. वरना तो वो लड़की बैठी हुई होती है पोकर फेस और सब कह रहे होते हैं बहुत मुबारक हो बेटा तुम कैसी हो. दैट्स नॉट हैपनिंग. आई लाइक दैट यू नॉट रियली अग्रीइंग दैट स्माइल इज नॉट नो बट आई रियली डू थिंक दैट्स आई थिंक स्टोरी स्टोरी पे डिपेंड करता है. इसमें स्टोरी है ये कि माँ बाप हैज टू फील गिल्टी एंड रियलाइज द मिस्टेक दैट दे हैव मेड. दे चोज कंफर्ट एंड मनी ओवर लव तो दे विल हैव टू नाउ सी देयर डॉटर सफरिंग. आपका मकफाते अमल आ रहा है यहां. मकफाते अमल नहीं है. They have to pay for it. नहीं माँ बाप देखो माँ बाप अगर बाप ने कॉन्स्पिरेसी नहीं की है तो माँ बाप ने अपनी तरफ से एक अच्छा डिसीजन ही लिया है. यस ही उनकी गलती है कि वो शायद बंदे से मिल लेती या जो भी हुआ. माँ बाप जानते बूझते तो किसी को आग में नहीं डालेंगे ना. लेकिन उनकी बेटी को तो नहीं करना था ना उससे शादी. लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट दे डिड टू इंटेंशनली टॉर्चर हर. उन्होंने अपनी तरफ से उसके लिए अच्छा डिसीजन लिया थिंकिंग यंग है मैच्योर नहीं है उसको नहीं पता. और शायद हम भी सोचें ना आज हमारे खानदान की कोई लड़का लड़की एक बिल्कुल गांव से किसी को उठा के ले आए तो शायद हम भी नहीं रिसेप्टिव नहीं हो तो ना करें ना शादी फिर उठा के पर दूसरी तरफ क्यों शादी करनी है. रहने दो पढ़ने दो. शी हैजंट फिनिश्ड हर कॉलेज. सलमा शुड हैव स्पोकन अप. सलमा आल्सो डिडंट स्पीक अप. सलमा गेव अप. चलो या अब कोशिश कर रही है. अब वो नहीं जा सकती कॉलेज. मना हो गया. वो तो नहीं जाएगी. वो तो नहीं जाने देगा. लेकिन मैं इस बात पे हैरान थी कि उसने एडमिट किया उसके मियाँ ने कि वो मुनीजा से मोहब्बत करता है. यस ये मैं मेरा नहीं ख्याल था कि वो करता है. मैं इस बात पे हैरान थी. यस हाँ हैरान थी और मुझे खैर समझ नहीं आ रहा वो वाकई करता है या वो और उसको चिढ़ा रहा है. नहीं आई थिंक करता है. अब मुझे समझ आ रही है कि करता है. वो सिर्फ उस खानदान से और सलमा से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो ये भी कहता है तुम्हारे बाप ने पहले इनकार की थी ना फिर खुद आया बाप के बारे में कैसे बात कर रहा था. उसने उस सारी चीज़ को अपनी इज्जत का मामला बना लिया. इज्जत का मामला बना लिया है. अब कितना टॉर्चर करेंगे और छोड़ेंगे ये नहीं पता. या उनसे भी शादी कर लेंगे. टाइम लैप्स आएगा. टाइम लैप्स आएगा. ठीक है जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. शादी होने वाली है उन दोनों की बाय द वे. ओह ओके लेकिन वो तो लंदन भी जाने वाले हैं. देखते हैं क्या होता है. देखते हैं. चलो ठीक है ओके. वी गो टू जिंदू. You go to Jindo. Jindo, okay, Jindo पता नहीं हो गया था. हाँ और तुम्हें सब कह रहे होते हैं राबिया आप. हाय Jindo बड़ा ही disappointing है. I'm sorry. सेलो चल रहा है. सेलो. मैं बहुत disappointed थी because ये वो एक drama था जिससे मैं सोच रही थी कि हम finally you know औरतों को action में देखेंगे कि वो फाइट कर रही हैं और वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं जैसा पहली एक दो किस्तों में. आप क्यों हंस रही हैं शादी पहले बता दें. हंस रही हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि वो एक ड्रामा था सबात. सबात में जो है ना उस्मान मुख्तार के जो टीजर्स आए थे ना उसमें दिखाया था कि उस्मान मुख्तार इज़ राइट देयर यू नो. फिर एंड में उस्मान मुख्तार ने कहा कि यू नो आई रिग्रेटेड टेकिंग ऑन द स्क्रिप्ट. मुझे पढ़नी चाहिए थी थोड़ी और ब्ला ब्ला ब्ला. और हमने कहा था कि इज़ इट फेयर दैट ऑडियंसेस थॉट यू आर गोइंग टू बी देयर. फिर हमने कुछ अनकही देखा जिसमें राबिया बहुत नाराज़ हो रही थी कि सजल और बिलाल के तो सीन्स ही नहीं है डर. तो इसके अंदर ना मुझे लग रहा है यही हो रहा है कि उन्होंने जो शुरू में हमें फेंका एक लॉलीपॉप और जो आप कहती हैं चॉकलेट्स और सब शुरू में फेंकती हैं और फिर वो सब वापस घसीट लिए. और वो आ ही नहीं रहा. हम कब से इंतजार में बैठे कि कब भाई ये खवातीन का ग्रुप बनेगा ग्रो बनेगा ये कुछ रेवोल्यूशन लाएंगी कुछ हमें एक्शन नजर आएगा. हम वो देख ही नहीं पा रहे. आपने जिंदू को वो कोयलों पे चला दिया उसके पाँव पे जख्म हो के बस भाई बस करो. हसरत जो है वो चले जा रहे चले जा रहे कोई पूछने वाला नहीं. वो फकीर आ गया उसने गार्ड को मार के आ गया बस जो हमें नजर भी नहीं आया कि क्या हुआ. नहीं आया कि क्या हुआ. सो जिंदू वाज एक्चुअली थ्राइविंग ऑन ऑल दीस ग्राफिक सीन्स. आई हैव टू से दैट बिकॉज जहां हमें नई ब्लड और वायलेंस पसंद है दिस इज व्हाट दिस ड्रामा वाज ऑल अबाउट बिकॉज वो बहुत अच्छे और नॉवल तरीके से हमें दिखा रहा था. उसके बाद वी वॉन्टेड टू सी आपके पास बहुत बल्कि एडिट में सीन्स होंगे जिसमें वेमेन आर राइडिंग हॉर्सेज आई थिंक वेमेन आर शूटिंग वेमेन
वुमेन आर इन कॉम्बैट, लेकिन वो सीन्स आपने कब के लिए बचा के रखें, क्योंकि वो सीन्स देखने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और वो नहीं आ और रहे कुछ हैं। सीन्स इतने बोरिंग है, इतने ड्रैग हैं, देन आई एम लाइक यार कहानी आगे भी तो बढ़ाओ ना, चलो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी इट। अब उनकी वो जो गुल्लू की अम्मा की जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो इतनी लंबी लंबी चली आ रही हैं, उनकी भी जो उनकी जो हाजा यमीन का जो कैरेक्टर है उनकी जो कहानी है वो भी नहीं आगे बस चली, समझ ही नहीं आ रहा क्या। ये दोनों सीन है, अब वो आई लड़की उसने गुल्लू की माँ को बताया कि जो वो फकीरा यहाँ चला गया, ये हो गया, मैंने सोचा ये कुछ करी, भाई वो कॉन्वर्सेशन क्यों हुई, मेरा टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों ये देख रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे वो हसरत की जो बीवी है उनके पास वो कजली हाँ वो आके बात करती है, तो वो भी कुछ नहीं हुआ, तो why are we watching these scenes? अच्छा फिर उसका भी निकाल दिया उन्होंने, चेन निकाल दी, उससे कहा बस अब तुम हमारी स्पाई हो वरना तो हम तुम्हें मार देंगे, वो भागती हुई चली गई एकदम से, उसका कोई सर पैर नहीं है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया बाप ने उसके, यू नो। सो एंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपने एक दो तीन इंसिडेंट दिखा दिए ना जुल्म के, हमें पता चल गया है कि हसरत और उसके बाप जो हैं वो इस तरह के हैं, अब हमें और नहीं, हमें कोयलों की एक्चुअली कहानी देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई नो कि वो हसरत को गुस्सा आ रहा है कि बाप ने मुझे फंसा दिया है और क्यों किया है, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, जो भी आपको करना है आप प्लीज़ आगे कर दें। और पिछली तीन एपिसोड से हम वेट करें कि अब कुछ होगा, विच विल बी द टर्निंग पॉइंट, अब कुछ होगा, वो पॉइंट आके ही नहीं दे रहा, फकीरा अब मरेगा, अब जिंदो बनेगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ, सो वी हैव नो आइडिया एंड नाउ हमारा सबर का उसकी बेटी हुई है और उसकी बहन प्रेग्नेंट है उसकी हसरत के बच्चे के साथ, सो बस ये एक ट्विस्ट हुआ, तो लेट्स सी क्या होता है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बेटा होगा ये मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता देती हूँ। या चलें, वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड राइट नाउ, वी वांट टू सी आगे स्टोरी में कुछ एक्शन आए। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रामा दैट वी आर ड्रामा, जैसे आपकी मर्जी। एक बड़ा अच्छा कैच फ्रेज हो गया हमारे दफ्तर में, यू नो स्पेशली राबिया को कहने के लिए बड़ा अच्छा है ये कैच फ्रेज, क्योंकि राबिया जब कहती है कुछ फिर सबसे ओपिनियन लेती है, नहीं खैर बेचारी नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, नहीं नहीं इट्स ओके, ना 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 खोल के खेलिए आप, कोई नहीं मुझे आदत है, ठीक है जैसे आपकी मर्जी राबिया, आप कह रही है तो मैं कह रही मेरी मर्जी। तो फिर वो सामने जो है हुसैफा भी स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है उधर भी कर रहे होंगे, लोग सुन नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली यही होता है कि जैसे आपकी मर्जी राबिया, आप जो चाहें सर आँखों पे, हम तो आपको सिर्फ यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए, आपको एडवाइस चाहिए आप 10 बार कहेंगे हम 10 बार कर लेंगे उस काम को। देखिए कितनी अच्छी टीम है मेरी, अल्लाह का शुक्र, आप बस टीम को भी दाद दें, मैं कह रही हूँ ना कितनी अच्छी टीम है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है ठीक है जी, तो जैसे आपकी मर्जी आप बताइए, आप शुरू कीजिए। फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा दोनों में। पहले एपिसोड में मुझे ज़्यादा कनेक्शन लग रहा था विथ यंग गर्ल्स जो ऐसी और थोड़ा सा ना गलत तो कर रहा था शेरी का कैरेक्टर, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा आई वॉज अ बिट ठीक है ये घर गई है ये बात करे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, अम्मा अब्बा बात नहीं सुन रहे थे, आई कुड सी गर्ल्स हु माइट बी इन दिस पोजिशन। दूसरे एपिसोड में तो मुझे कम इसको तो फारिग करो, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, ही इज़ जस्ट नॉट, ही इज़ नॉट सेफ टू बी अराउंड, ही इज़ ही बिकॉज होता ही है राबिया जब लड़कियाँ इस तरह रह जाती हैं ऐसी रिलेशंस में तो उनका ट्रॉमा जो है ना वो स्कारिंग हो जाता है उनके लिए, अगर शुरू में निकल जाती दे विल नॉट बी स्कार्ड। नाउ इन ट्राइंग टू मेक इट वर्क एंड इन ट्राइंग टू मेक एवरी वन इन द हाउस बिलीव ही इज़ डूइंग दैट, उसके ऊपर जो इमोशनल स्कारिंग होगी वो कैसे ख़त्म होगी। सो ये ड्रामा जो है ना इसकी एक चीज़ जो मैं एडमिट करती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, इट्स मेकिंग मी थिंक कि क्या जो कुछ शेरी कर रहा है एट दिस पॉइंट इज़ इट इनफ फॉर अलीज़े टू डिमांड अ डिवोर्स और टू बी सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि जब मैं हमें तो पता है ना अच्छा ये टॉक्सिक है हम दूर ऊपर से देख रहे हैं हमें पता ये ख़राब होता जाएगा, लेकिन अगर मैं आइसोलेशन में देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी कोई दोस्त आके मुझे ये बात बताए या कुछ है तो हम बोलेंगे यार लेकिन इसको ट्राई टू वर्क इट आउट ना, we will never tell that person, will you do it? I don't think so, I will never tell that person, I am not in a position to tell anyone to walk away from a relationship, kyunki jab tak wo insaan nahi kahega ki I think then I will ask why, lekin main ye zarur kahungi ki apne maa baap se baat karo and
थिंक अबाउट इट एंड माँ बाप से तो बात कर रही है वो नहीं सुन रहे ना एंड थोड़ी सी दूरी इख्तियार करो लेकिन ये सब ओके दूरी इस चीज का सोल्यूशन नहीं है वी नो दैट राइट इधर नहीं दूरी सोल्यूशन अभी साथ रहने से भी कोई सोल्यूशन नहीं है अच्छा मेरा पॉइंट ये नहीं है मेरा पॉइंट ये है कि द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वे वेट वाई दूरी इज अ सोल्यूशन इज कि जब वो लड़की जो है ना एक टॉक्सिक एटमोसफियर में अभी है ठीक है एंड जब आप ऐसे एटमोसफियर में होते हैं यू स्ट्रगल टू मेक थिंग्स वर्क टू मेक थिंग्स वर्क टू मेक थिंग्स वर्क फिर आपको थोड़े से भी जब उम्मीद की किरण नजर आती है आप कहते हैं इफ शी रिमूव्स हर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन शी लीड्स अ नॉर्मल लाइफ एंड शी इज अलाउड टू ब्रीद शी विल सी द डिफरेंस एंड देन शी विल डिसाइड क्या उसको वापस उस सिचुएशन में जाके एक और ट्रायल देनी है कि नहीं अगर वो ये नहीं करेगी उसको कभी भी नहीं पता चलेगा ओके सो मैं यही बोल रही हूँ कि जो ड्रामा है ना इट्स मेकिंग मी थिंक कि क्या अभी तक जितना कुछ हुआ है वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है टू जस्टिफाई टेकिंग इवन दिस डिसीजन दिस इज माई क्वेश्चन सो फॉर मी ऑल ऑफ दिस इज नॉट रेलिवेंट मेरे लिए जो बिकॉज मैं सोचती हूँ कि अच्छा वो उसको गाड़ी में अकेला छोड़ के चला गया अच्छा उसने पूरी रात उसको रिश्तेदार के घर छोड़ दिया क्या ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि मैं बोलूँ किसी को कि यार ओ ये तो कोई बिकॉज एंड आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड टॉकिंग अबाउट इट एज अ सोसाइटी दिस इज़ हाउ वी थिंक सो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि दिस ड्रामा इज़ एक्चुअली मेकिंग यू थिंक कि ये रेड फ्लैग है ये एक छोटा सा रेड फ्लैग है ये मीडियम रेड फ्लैग है आर दीज इनफ टू टेक अ डिसीजन या फिर हम ये रेड फ्लैग्स होते होते वेट करें कि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो फिर हम डिसीजन लें देखो पहले एपिसोड के बाद आई वुड हैव अग्रीड विद यू उस पे भी हमारी झड़प हो रही थी व्हेन यू वर सेइंग मैं कह रही उस वाली पहली एपिसोड नहीं इस वाली पहली लेकिन जब इसने स्पीडिंग करी है उसके ऊपर और उसे कहा है कि तुम फोन करो अभी तुम्हारे ख्याल में कोई लड़की अपने माँ बाप को जाके बोलेगी वो बोलेंगे हाँ इतनी सी बात पे तुम अलहदा हो जाओ इतनी सारी पीछे चीजें उसने करी है सब इट हैज ऑल एडेड अप एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है कि दीज आर जब तुम आइसोलेशन में देखो तो मुझे लगता है छोटी 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 चीजें सो I'm not saying ki solution kya I'm not saying she should No but you are saying she shouldn't walk away No I'm not saying that I'm saying that this drama is making me think that ki hum log kya itna intezar kare ki koi disaster ho jaye ya inhi cheezon pe koi decision le lena chahiye the drama pe ek decision delay karna chahiye and that should be to move away and think clearly without an outside external force over there agar wo aaj se 6 mahine ke baad bhi jayegi to sherry aisa hi rahega wo nahi jayegi maybe after 6 months she decides yes or no if she decides yes, a lot of people have a trial for 2 months and say and then she's in a better position to decide kyunki dekho abhi jab wo gayi to usne uska kitna khayal rakha aur abhi bhi jab wo ro rahi hoti hai to wo yaad kar rahi hoti hai ki sherry uske sath kaise pyar se pesh aa raha tha aur sab kuch hai to ye bada mujhe lagta hai ki complicated hai itna aasan nahi hai and that's what the drama is making me think and I find that very इंटरेस्टिंग क्योंकि हम बहुत दफ़ा लड़कियों को ये कहते रहते हैं बर्दाश्त करो चुप करो एंड मे बी हमें ये नहीं कहना चाहिए मे बी हमें इन रेड फ्लैग्स को सीरियसली लेना चाहिए तो मुझे ड्रामा इन लाइन्स पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अगली बार अगर आप ऐसा होते हुए देखें तो आप उसको लाइटली नहीं लें आप सोचें कि ये साइन है किसी और बड़ी डिज़ास्टर के होने का या किसी बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ होने का क्योंकि हम नहीं लेते तो तुम दूसरी बात कह रही हो अभी तो तुम कह रही थी कि नहीं सोचना चाहिए अब तुम कह रही हो नहीं तुम्हें मेरी बात नहीं समझाओ मैं जान के तुम्हें कह रही हूँ ताकि मैं यही कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है द ड्रामा इज़ ओनली मेकिंग मी थिंक कि Should you do something on these or should you not? Should you wait for something bigger to happen? The drama is telling me very clearly, get out and run, Alize, and don't look back. मैं वो जब मैं realistically society को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास आके कोई बोले या मैं किसी को सुनूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई extreme and this is maybe a sad situation मैं कोई एक्सट्रीम एक्शन लेने के लिए उस लड़की को नहीं बोलूंगी कि नहीं इन चीजों की बेसिस पे आई वुड मोस्ट प्रोबब्ली टेल हर कि व्हाट डज कपल काउंसलिंग जाओ नहीं अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए शादी को या कुछ हुआ एक दिन में लोग अपनी असलियत दिखा देते हैं व्हाट डज शेरी हैव टू डू मुझे नहीं पता मे बी मैं गलत हूँ मे बी वो रोज की बेसिस पे होना शुरू हो जाए वो जाके रह रही है कॉन्स्टेंटली और बहुत ज्यादा चीजें होना शुरू हो जाए तो फिर शायद इस तरह की मे बी कपल काउंसलिंग जाएं मे बी वो बड़ों को इन्वॉल्व करें अभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई तो मुझे नहीं पता मैंने नहीं ये नहीं कहा कि वो डाइवोर्स ले या वो साथ रहे द ड्रामा इज़ ओनली मेकिंग मी थिंक हाउ दे आर सो मेनी टाइम्स व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग हम उनको लेते हैं इट्स नो बिग डील सो शुड वी टेक देम सीरियसली और शुड वी वेट
मेरे जहन में ये दो सवाल है, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास. आई थिंक ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, आई थिंक शी शुड मूव आउट. लेकिन वो सिचुएशन, और क्योंकि वो फ्लिप करता है, क्योंकि वो अच्छी बातें करता है, दैट इज़ द पोल दैट कीप्स हर बैक. और उसको पता है, वो इसीलिए ही इज़ लाइक, वो कहते हैं ना साइकोटिक समथिंग होता है कि दे कैन मैनिपुलेट पीपल्स माइंड्स. That's what he's doing. उसकी अम्मा के साथ वो बोल बोल के एकदम से प्रेजेंट देता है उनको, ये मैं आपके लिए. एंड ही इज़ डूइंग द सेम थिंग विद अली से, वो उसके माइंड के साथ खेल रहा है. क्योंकि वो कभी कभी उसके साथ अच्छी तरह बात करता है, विच इज़ वो ये यही बात सोचती है कि ही वॉज सो नाइस टू मी, और अपनी बहन को भी यही कहती है, तो वो वापस आ जाती है. एंड सच पीपल, विद सच पीपल यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन एज, यू डोंट नो हाउ दे गोना बी नेक्स्ट. सो फॉर मी ये, एंड दैट्स वाई आई एग्री, डिवोर्स नहीं, कन्फ्यूजन होगा अलीजे के दिमाग में, तो थोड़ा सा दूर रहे. देखे नॉर्मल पीपल कैसे होते हैं भाई, नॉर्मल लोग, उसको पता है नॉर्मल लोग कैसे होते हैं, भूल जाते हैं. बहुत दफा, जब आप ऐसे और बहुत दफा ऐसा होता है, कभी कभी सी ये एक सिचुएशन है जिसको हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. कभी हो सकता है ऑफिस के स्ट्रेस में किसी ने कुछ किया हो, अब उसको पकड़ के बैठ जाएं कि ड्रामे में ऐसा दिखाया था, ऐसा हुआ. तो मैं इसलिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द ड्रामा इज मेकिंग मी जस्ट क्वेश्चन दैट, के क्या अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप कुछ रिएक्शन ले लें. यानी एंड आई एम रिपीटिंग माई थिंग, सो लेट्स मूव ऑन. तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है. आई, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, आई हैव विद इज द, जो मुझे लगता है मैं जब तक ये ड्रामा चलेगा मैं ये बोलती रहूँगी कि आपने कैरेक्टर को नहीं इस्टेब्लिश किया और आप चीज़ें दिखा रहे हैं अब जो हमें समझ नहीं आती हैं. आई लाइक द फैक्ट कि उसको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो जेलस होता है, ही कैन नॉट टेक इट के अलीज़े की कोई तारीफ़ कर रहा है या अलीज़े फेमस है. और ये बहुत क्लियरली दिखाई, ये बात मुझे लगता है कि बहुत से कपल्स शायद रिलेट कर सकें, एज मोर कपल्स आर वर्किंग टुगेदर, कि बीवी ज़्यादा आगे चली गई है, मियाँ नहीं है, तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ लगती है. लेकिन उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो उसकी टॉक्सिसिटी, उसका कंट्रोलिंग, उसकी जो दिखाई है चीज़ मैनिपुलेशन, उसका कहीं भी आपने पहले से जिक्र किया हुआ, तो वो मुझे तो वो भी नहीं, ही वाज शेरी वाज अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर टिल ही गॉट मैरिड. अब वो अपनी बहन को कहता नाश्ते की टेबल पे, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. ये किस किस्म का जुमला है? उससे पहले वो अपनी बहन से लड़ रहा है. और शाजिया मुझे ये ख्याल आता है, जो हम ऑफिस में बात कर रहे थे, वो तो रेज हुआ है बड़ा बड़ा एक बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग इंडिपेंडेंट बहन के साथ, तो वो फिर वो तो इस तरह की औरतों को एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा आसानी से ना. या फिर आप थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर देते, क्योंकि बहन इतनी डोमिनेटिंग है, सो ही वांट्स अ सबमिसिव वाइफ. लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं, बिकॉज़ उसकी बहन के साथ काफी अच्छी रिलेशनशिप थी टिल दिस हैपेंड. एंड ही इज सपोज्ड टू बी अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन. अब आपने दिखाया वो जेलस भी हो गया, वो फेसबुक पे अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, उसको दिखा रहा है, उसके प्रोफाइल को कर रहा है, और उसको वो छोड़ के. तो द ओनली थिंग दैट आई फाइंड रियलिस्टिक इज हिज बीइंग जेलस. और उस पे वो एक चीज है जो किसी वक्त भी किसी इंसान को हो सकती है, कि वो नहीं, वो फ्रेंडशिप में भी हो सकती है. ठीक है, बाकी चीजें वो मुझे कैरेक्टर में नहीं समझ आती है, एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. अच्छा, उस उनके कैरेक्टर में तो चलो, यू हैव सेड इट मेनी टाइम्स एंड आई एग्री. मैंने तो लगा वो तोते की तरह रिपीट करती जाऊंगी, क्योंकि वो अब्बा को भी नहीं समझ आ रहा ना कि क्यों कर रहा है. अब्बा को थोड़ा भी तो समझ आना चाहिए. हम छोड़े, तुमने इतनी सही बात की, उसके अपने अब्बा को समझ नहीं आ रहा, अब्बा को नहीं समझ आ रहा, उसके अपने अब्बा को. वो बेटी से पूछ रहा है, अलीजे से पूछ रहा है कि बेटा क्या हुआ था, मुझे बताओ. तो हम नहीं, आपके अपने कैरेक्टर्स बोल रहे हैं कि आपके कैरेक्टर को सही तरह नहीं डिफाइन किया गया. नताशा को तो आपने बेचारी को दिखा दी, उसको कहीं का नहीं छोड़ा. और इसको जो आपने इतना अच्छा, अब अलीजे का कैरेक्टर, ठीक है, आपने अलीजे को शुरू में दिखाया कि वो टेड टॉक कर रही हैं, फिर वो अपनी बहन के लिए बात कर रही हैं, और वो शीज़ बल्कि फ़ोन पे भी उठा के उससे कह रही थी कि नहीं तुमने सही नहीं किया, जब पहली दफ़ा जब रमज़ा रोई थी. एंड आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन इवन स्ट्रॉन्ग वेमेन आर इन द प्रेजेंस ऑफ अब्यूजिव कैरेक्टर्स, वो सहम जाती हैं, मैं ये सब समझती हूँ. लेकिन आप कहीं तो उसका वो पास्ट सेल्फ मुझे दिखाएं, विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग. वो वहाँ रोना शुरू हो गई, शी कम्प्लीटली ब्रोक डाउन अबाउट स्पेंडिंग वन नाइट विदाउट हिम, जबकि शी कुड हैव गॉन बैक टू द होटल, कुछ तो कर सकती थी. आपने दिखाया तो वो एक ऑप्शन हो सकता था कि वो खुद चली जाए, जो भी है वो कॉन्फिडेंट है, गाड़ी रेंट करे या कुछ भी करे, चले चली जाए. अगर हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे कह रहे हैं, तो एक पढ़ी लिखी लड़की से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन को संभालो, तमाशा नहीं बनाओ, इतना तो सेंस होना. उसने जो किया वो किया, लेकिन आप जो करिए वो तो आपके ऊपर ना, आपको एक्सक्यूज बना देती, अपनी इज्जत भी रख लेती, मियाँ की इज्जत भी रख लेती, कि और क्या पता वाकई उसका एक्सीडेंट हो गया हो. उसने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, था. मैं कह रही हूं, ठीक है, उसका जो भी है, शेरी ने जो किया वो अलग है. हम इस कैरेक्टर के बिहेवियर की बात करें ना, अगर हम, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ बार बार, तुम नहीं उठा रही हो, मैं किसी,
मैं एक दफ़ा तो सोचूंगी यार हो सकता है शाजिया कहीं फंस नहीं गई हो, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए सोचा, वो कुछ बहाना बना देती अगर नहीं आया कि भी बीच में उसने उठाया था एक दफ़ा फ़ोन, बट देन ही नेवर केम टू पिक हर, ही नेवर केम, तो देन एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वुड से कि वो कहीं फंस गया है, वो सुबह आके मुझे पिक कर लेगा। तो थोड़ा सा मतलब आपने उसको एक संभली हुई समझदार कॉन्फिडेंट लड़की दिखाया, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो अपना तमाशा नहीं बनाएगी और वो अपनी चीज़ को कवर अप करेगी। मे बी आई एम रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग दैट, आई डोंट नो, it just seemed very difficult so that for me. What you were saying, although I agree with you, but I feel ki hum ek hum condition ho gaye hain yahi karne ke aadi ban gaye hain. Kyun did she know ki usse pehle tak usne badtameezi se baat kari na usse, to phir kya kar, to phir wo phir bhi apne bhai ko involve kar lena chahiye tha, nahi keh deti ki kuch ho gaya hai, so that's what I'm saying कि जाके घर जाके सॉर्ट आउट करोगी ना, या अपने माँ बाप को करोगी, तुम एक दूसरे मुल्क में हो। अच्छा फिर उसके कज़न ने भी उठा के उसको फौरन ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हें तो नहीं पता क्या हुआ है, तुमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि उसके साथ बुरा कर रहा है। वो जो इतनी हाइपर हो रही थी इसलिए उनका भी वो भी ये पूछ सकता था कि तुम खैरियत से हो, तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मे बी आई मीन आई डोंट नो, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें ड्रामे में लग रहा था कि दिस शुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, जस्ट टू शो कि शेरी का ये रिएक्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचते हैं ड्रामे में, तो अब कुछ भी करके लेकिन अगर तो वो उनको नहीं डांटती तो फिर शेरी वो स्पीडिंग नहीं तो करती, और फिर शेरी हाँ। तो फिर कोई और पॉइंट निकालते ना, बट हमें तो बेहतर मटेरियल आप दिखाएं ना। वो आप वो पोस्ट निकालना चाह रही थी, उसे मैं यही कह रही थी, वो कहते हैं द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, तो मैं कह रही थी द ब्लाइंड लीडिंग द स्मार्ट, कि जब वो मेकर्स ये बनाते हैं लेकिन ऑडियंस इज टू स्मार्ट टू फॉल फॉर दीज थिंग्स, आप एक यू नो यूं यूं करके नैरेटिव निकाल रहे हैं, हमें सब समझ आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू रीच दैट पॉइंट, आप जो दिल चाह रहे हैं आपको करा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो ये है आप स्पीडिंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगी? हाँ वो भी मुझे था कि वो उसको कह रहा है कि रिसर्च आई फील शुड बी डन, कि वो कहता है ये गाड़ी रुकेगी नहीं, मैं इसको कराता जाऊँगा। मेरा ख्याल है, अगेन मैं अगर गलत हूँ तो मैं डर भी रही हूँ थोड़ा सा कहते हुए, लेकिन दुबई और उसमें जगह जगह कैमरा लगे होते हैं, और आपको इट इज इवन मोर स्ट्रिक्ट, या सो यू विल गेट कॉट, सो यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट, एंड सो ये इस तरह की रिसर्च थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। और वो पहले भी जाता रहा होगा, वो अच्छा खासे अमीर लोग हैं तो मुझे लगता है वो फेमिलियर होंगे उस जगह से, वो जाते रहते होंगे, उन्हें पता होगा, वो ड्राइव भी कर रहे हैं वहाँ पे सब कुछ। लेकिन द सेंसेशनल फैक्टर ऑफ शोइंग यही है ना, बिला वजह का सेंसेशन क्यों दिखा रहे हैं ऑफ शोइंग कि वो नहीं, बिकॉज मुझे तो लगा पाकिस्तान में होता तो मैं समझ जाती ना, लेकिन आप रिसर्च और उसके बगैर आप क्यों क्यों एक चीज़ हमारे ऊपर फेंक रहे हैं कि बस ले लो देख लो ये हमने दिया है, इस पर ज़्यादा सोचो नहीं, डोंट यूज योर इंटेलिजेंस कि वो किस जगह पे वो क्या है, बस ये हमने दिखाया इसको एक्सेप्ट करो। उनको दिखाना है कि वो टेररिज हो रही हैं और वो दिखाने के लिए उन्होंने ये दिखा दिया, वो उन्होंने थप्पड़ नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ और नहीं, उन्होंने ये दिखा दिया बस, वो समझ रहे थे कि वो प्लीज डू योर रिसर्च, प्लीज डू समथिंग एल्स, मेक श्योर कि जो भी आप चीज बोल रहे हैं वो एक सही तरीके से प्रेजेंट हो रहा हो। आई जस्ट थिंक दैट सो जहाँ पे उस ड्रामे में इतना पोटेंशियल हो सकता था ना, दे शो दीज थिंग्स, इट जस्ट शाज़िया रुइंस एवरीथिंग। फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसकी माँ उसको कुछ बोलती है, अलीज़े बहुत बदतमीजी से और बहुत जजमेंटल तरीके से अपनी माँ को मुड़ के जवाब देती है, दैट वाज आई फेल्ट। अच्छा मुझे मैं तुमसे पूछी थी, मुझे तो वो सेंटेंस ही नहीं समझ आया उसका, आई वाज बहुत ही आई ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट इट इन माय माइंड, यू कैन से कि माँ मेरी बात नहीं समझ रही है, रो बोले माँ आई एम डिसअपॉइंट, उसने अपनी माँ के ऊपर एक जजमेंट पास की, आई डोंट थिंक दैट्स हाउ, अगेन मेरी ये फ्रस्ट्रेशन, आपने एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की दिखा दी दैट शी विल डू दिस टू हर मदर, नो दिस इज नॉट हाउ वी डू थिंग्स ना, वेल डू दे डू इट समटाइम्स, नो आई डोंट थिंक सो, बट आई जस्ट फील शी शुड बी स्टैंडिंग अप फॉर, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि हमें ड्रामे भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका पॉइंट वैलिड था, और मुझे माँ का भी वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो बिल्कुल सुन ही नहीं रही है उसकी, नहीं देखो माँ तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, माँ के तो जितने जुमले हैं वो एक्चुअली है कि पहले उसकी बात सारी मानो, उसको राम कर लो ताकि वो तुम्हारी काबू में आ जाए, फिर वो कहती है नहीं शुरू शुरू में ये करना पड़ता है ये कर लो यू नो, और मियाँ तो ऐसे ही होते हैं, और फिर अपनी एग्जांपल भी देती है, मेरा तुम्हारे अब्बा मुझे दो दो दिन के लिए छोड़ के चले जाते थे, वो सब कुछ, वो तो एक टिपिकल माँ की तरीके से बोल रही हैं, वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो सोसाइटी की आवाज़ है, लेकिन वो जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज आप दिखा रहे हैं दे नीड टू बी मेजरली ऑल्टर्ड, आई थिंक शी इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई डू अग्री दैट वाज नॉट, मुझे तो सेंटेंस समझ ही नहीं आया एक्चुअली, लेकिन आई फील कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, किसी कोई बात नहीं सुन रहा है, एंड और उसने पहले उस वक्त माँ को सही तरह पूरी बात नहीं बताई थी, माँ को उसने बाद में बताई, उसने अपनी छोटी बहन को जाके बताया कि वो ये कर रहा है, माँ को उसने उस वक्त तक सारी बात नहीं बताई थी, पिछले एपिसोड में भी माँ उसको यही कह रही थी कि नहीं बेटा तुम्हें वापस तो जाना है, वापस तो जाना है, वो बदतमीजी से कह के गया था कि मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, बट ये तो उससे पिछले एपिसोड फर्स्ट एपिसोड में हुआ था ये।
नहीं ये उस वक्त की बात है जब वो कमरे में आके लेटती है खाना खाने, वो बाद में आता है उसके हाँ, लेकिन उससे पहले वो कि मैं बाहर जा रहा हूँ तुम आ जाओ, वो सेकंड एपिसोड में हुआ है। अच्छा तो जब भी हुआ है माँ वो सेइंग बेटा बेटा जाओ जाओ जाओ, लेकिन ये उससे पहले बदतमीजी की उसने माँ के साथ। सो दिस इज माई ओनली थिंग दैट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी रिलेटेबल एंड वेरी रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बात करें, बट लैक ऑफ रिसर्च, पुअर कैरेक्टराइजेशन एंड जस्ट giving whatever you want to give to the audience is for me is compromising the narrative, it's losing its impact. The sister's role is so preachy and I just wish that she would aap usko beech mein dikhaye na, kyunki ramza ki baatein buri nahi hain, her points are correct on, they are on point many times, but she uska kabhi kabhi lag raha hota hai sherry jisse us tarah irritate ho raha hota hai na, hum bhi irritate ho rahe hote hain, because wo baat is tarah kar rahi hoti hai aur main har baar phir wahi bolti hu, sherry ka character jo bhi kar raha hai आपके कैरेक्टर को क्या करना चाहिए। शेरी उसको कॉल करता है मैं तो पिक करने आ रही हूँ, वो उसकी बार बार उसको तंज मार रही है, बार बार उसको कोई तो वजह होगी तो कुछ, इट्स लाइक नहीं आपका एक रिलेशनशिप है उसकी उसकी एहतराम कीजिए, आप छोटी हैं वैसे भी, यू नो मे बी मुझे उनका एक्सप्रेशन वो यकीन नहीं कर रहे थे शेरी जो बोले चला जा रहा था, लेकिन वो चुप थे, तो यहाँ जब आप इतना सारा एक साइड दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा उनके कैरेक्टर को दिखाना चाहिए। वो आके अपने बाप का हाथ पकड़ती है उससे बोलती है moments which are really good and I'm glad that they showed ki baap beti mein ye relationship hai, but there are other points jahan drama just falls down like that, jabki like you said the narrative is very relatable at a lot, hame usme se na points pick karne hote hain, ha ye bahut relatable hai ye humne dekha hua hai, lekin and you want us to take a drama seriously then show us it in that way na, don't make us think ki yaar ye kya kya aap log dikha rahe hain hame, don't make us think that you know, okay main so लग रहा है मुझे मैं तो एक के बाद दूसरे ड्रामे का बस वही बोलती जाऊंगी, मुझे अफसोस भी हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ पॉजिटिव थिंग इन मैं, जब तक आप स्टार्ट करें। रिजेक्शन हो गया उनका और वो बहुत ओके सो उनका रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन इज नॉट अ नाइस वे टू से इट, लेकिन उनके फ्रेंड ने कह दिया कि भाई ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं लेकिन मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, वहाँ वो स्टॉप कर सकते थे, वो जो स्टॉप होता है ना गाड़ी के ऊपर, वो जो आप एक्सेलरेटर, उन्होंने एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया गलती से, इतनी फजूल बात थी उसके आगे कि कोई भी नहीं उसके साथ, व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड आर यू सीरियसली, इफ यू कैन से दैट, वो बशीरा के साथ कोई मर्द गुजारा नहीं कर सकता, व्हाट मैं आई एम लाइक ये तुम दोस्त हो, तुम उसको समझा रहे हो और तुम ये बातें बोल रहे हो, बजाय इसके तुम उसको थोड़ा सा काउंसिल करो या गाइड करो कि तुम चुप हो जाओ ना, इतनी बुरी बात कहने की क्या जरूरत है, आई नो, और उसके बाद कह रहा है कि तुमने जो खाना लगाया है उसका, आई नो ही इज जस्ट लाइक सो। अच्छा भाई ये बताएं वो यॉट के सीन का क्या सेंस था, हाँ मुझे लग रहा है आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए, बिकॉज एवरी सीन हैज टू हैव some sort of reasoning, so that's the problem, तो वो याद कर रहे हैं और बस आपने ये दिखाया है कि वो यॉट पे अपने अपने अब्बा के साथ खड़े हैं, जैद और अब्बा उनके साथ वो कहानी शेयर कर रहे हैं, उसके बाद तो वो बार पे भी खड़े हुए होते हैं और वो यूं करके खड़े होते हैं, खाली ग्लासेस वहां होते हैं और वो बात कर, और फिर वो अपने अब्बा के पास जाते हैं, तो मैं पूछती कि इतने पैसे सीन पे किस वजह से लगाए गए, आई रियली वुड वांट टू वंडर कि अप्रूवल होगा किसी के पास की यॉट थी, उसके बाद फिर टाइम लेना, इमेजिन सो मच मनी गई होगी उसके ऊपर, सो भाई रोमांटिक सीन दिखाते या प्रपोजल दिखाते तो फिर भी मुझे समझ आ जाती, एक बाप की याददाश्त या कोई बिजनेस डील हो रही होती, बिजनेस डील हो रही थी, खुफिया सी सनसनीखेज थी तो फिर समझ आ जाती, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं आई मीन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, फिर जी खैर तो अब्बा ने बाद में जब मैं बार पे खड़ी होती उसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी और मैं आपको जरा वन अप कर रही होती अपना, तो मैं जाके कहती राबिया बाय द वे यू लुकिंग वेरी नाइस टुडे, फिर मैं चली जाती आगे, तो आप क्या सोचती? कुछ नहीं सोचती, मुझे अलाउड नहीं है सोचना दादा, बिकॉज आई एम वॉचिंग ड्रामा, तो वो मैं कि यही बात है कि यॉट का सीन दिखा दिया, ये वो इम्पैक्ट थ्रो करने के लिए आपको दिखा रहे हैं और वही तो मैं कह रही हूँ, और जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि जरूरत क्यों? क्योंकि जहाँ इम्पैक्ट होना चाहिए जो आयरा और जैद की रिलेशनशिप है वहाँ होना चाहिए, वो तो आपने दिखाया नहीं, वो तो फ्लैट हो गई। ऑन टॉप ऑफ इट जैद क्या कहता है अपनी बहन को कश्माला को, वो कहती है डू यू रियली लव हर, ही सेज लव से ज्यादा रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम जस्ट, तो बस फिर तो सही है ना, फिर तो उन्होंने ठीक दिखाई है रिलेशनशिप, फिर हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, इट इज ऑल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, देयर इज नो लव, हम लोग बना रहे हैं, व्हाई इज ही फाइटिंग फॉर हर,
because he values respect and understand. आप ही तो कहती हैं एक relationship में respect होना चाहिए. बहुत ही मतलब I was just like कि फिर आप इतने दिन से क्या कर रहे थे, आप क्यों उसके पीछे फिर रहे थे अगर आपको मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं है और वो इतना रोते हुए आपको फोन कर रही हैं कि ये करो तो what is going on. ये इतना अजीब सा जुमला था, मुझे उस जुमले की कुछ समझ नहीं आई because clearly you had communicated that they both are in love with each other, they want to get married. अब आप कह रहे हैं लव नहीं है, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है. I just cannot understand this. But I have to say कि फिर उनकी acting तो सही है दोनों की. अगर love नहीं है. शाज़ी sorry मुझे इस वक्त ना कुछ भी मैं बहुत दुख में हूँ. इस वक्त बहुत दुख में हूँ. हम कह रहे हैं ना हमें एक cute सा romance चाहिए. तो वो जब romance ही नहीं है. तो फिर आप उनके दरमियान तो फिर आप उनके अगर ये आपकी बात है तो फिर उनके दरमियान ये conversation होनी चाहिए थी कि हम एक दूसरे के साथ लंच इसलिए करें क्योंकि हमें मोहब्बत नहीं है लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. इसीलिए ना हम शादी की बात करें लेकिन फिर भी हम डेट पे जरूर जाएंगे. इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिस पिक करने आऊंगा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अपने भाई को बताए बगैर लंच पे भी जाऊंगी लेकिन हम लव नहीं करते. बिल्कुल नहीं करते. ठीक है ना, कह दिया ना अब उन्होंने. ठीक है, मुझे नहीं समझ आई ना. आई विश आई ड्रामाज ऑन अ सीरियस साइड एंड आई एम अ वेरी सीरियस ड्रामा फैन. मुझे एक्चुअली दुख होता है. आई रियली 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 विश हम स्क्रिप्ट में ऐसे डायलॉग्स बोलने से पहले सोचें, हम ऐसे सीन्स शूट करने से पहले सोचें कि इसका मकसद क्या है. वी आर ऑल मूविंग अहेड इन आवर इंडस्ट्री एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल. और उस रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अभी अपना घर छोड़ के भी आ जाएंगे. अच्छा उसके बाद आप अब्बा जी तो वो साजिश पे चले गए. उन्होंने उसके आयरा के भाई को बुला के उसकी बेइज्जती स्टार्ट कर दी. अब्बा ने वो स्कीम खेली है. अच्छा वो इतने जज्बाती हुए, इन्होंने सोचा जैद ने कि ये रिश्ता ये ले चल जाएंगे. मैं दुबई, पता नहीं दुबई जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहा हूँ, या लाहौर जा रहे हैं. नहीं कोई ये मुझे समझ नहीं आया. दिस इज आल्सो लाइक अ प्रॉब्लम विद द स्क्रिप्ट क्योंकि उन्होंने कहा मैं आज तो बहुत जल्दी है, मैं कल जाऊंगा. लेकिन सुबह नाश्ते की दुबई चले गए और सुबह नाश्ते की टेबल है तो फिर जल्दी पूरा दिन क्या है, पूरा दिन था, दैट्स द अदर थिंग. नहीं जा सके और फिर कल जाएंगे आयरा के पास तो वो तो होगा नहीं, वो तो दुबई जा रहे हैं नेक्स्ट डे. दुबई या लाहौर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे थे वो. लाहौर. अच्छा फिर दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है, अकीन जैद इज़ जैद को आपने बड़ा ना रख रखा, उसके सूट, ये बहन की शादी हुई तो वो सोफे पे बैठे हैं, टांग पे टांग रखी और वो बहन को मुड़ के उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी, अपना रख रखाव रखा है. अब अब्बा ने बोला शादी पे तो वो अब्बा के घुटनों से लग गए. आई डोंट थिंक अ गाय ऑफ दिस स्टैचर वुड डू दैट. ही वुड गो एंड मे बी हग हिम या वहीं बैठे. एक ये तो बड़ा मतलब सॉरी टू से बड़ा आपने उसकी कैरेक्टर में आप कैरेक्टर देखे ना, एक अमीर ज्यादा है जो बड़े रख रखाव से रहता है, वो गाड़ी भी ऐसे करके चलाता है, वो बात नहीं ज्यादा करता है, यू नो उसकी अपनी एक वो है, शादी का नहीं है ना. लेकिन अब्बा ने बोला तो अब्बा के घुटने पे जाके बैठ गए तो वो एक छोटे बच्चे कैसे बन गए. मे बी मैं शायद उन्हें साइकोलॉजी को नहीं समझ सकती. अब्बा कंट्रोल्स एवरीथिंग. अब्बा सेज कि आप इस वो जात से नीचे या इस फैमिली बैकग्राउंड से नीचे शादी नहीं कर सकते. उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो अगर मैं कह रही हूँ बिहेवियर उसका कि वो इतना नीचे जाके बैठा, ये एक एक वो घराना होगा जिधर ऐसी चीजें नहीं होती हो, जो ज्यादा नॉर्मल हो, एक दूसरे से बहुत यू नो इनटू ईच अदर हो, या उनकी थोड़ी सी अपब्रिंगिंग सॉफ्ट हो, उस तरह के लोग ये करते हैं. इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना. अब्बा इज सो मटीरियलिस्टिक एंड सो टू द पॉइंट. आपकी फैमिली भी एक दूसरे से खिंची खिंची रह रही है, कुछ आपने ऐसा नहीं है यू नो, नाश्ते पे साथ नहीं बैठे होते आप लोग, तो फिर ये चीजें आप कैसे दिखा रहे हैं? आई वुड एक्सपेक्ट कि वो खड़े होकर अब्बा को वहीं से बैठे बैठे थैंक यू बोलता या हग कर लेता. वो तो बिल्कुल नीचे आके घुटनों में बैठे हैं. सॉरी मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है. आई थिंक हम जब अपने कैरेक्टर्स करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी को हमें सोचना जरूरी है. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. लेकिन और इतनी चीजें गलत हो रही थी कि मैंने शायद इतना नोटिस नहीं किया. देन वी विल कम टू मुबशिरा. ओके सो मुबशिरा जो हैं बेचारी, आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग थ्रू बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है विद मोहिब. उसके बाद फिर दोस्त ने मना कर दिया, शी थॉट कि वो हाँ कहेगा और नाउ शी रियली बिलीव्स. एंड इन अ वे जहाँ आप ये कह दें कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो क्यों इतनी आसानी से टूट गई, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा विच कुड बी देयर रिलेशनशिप एंड किसी ने उनकी ईगो के ऊपर एक्चुअली हाथ रखा है ना, उसका है कि कर ही नहीं सकती, शी इज़ ऑलवेज डन एवरीथिंग, that is breaking her. It's not necessarily that she needs a relationship, but more that her ego is hurt right now. क्योंकि आपने बोल दिया ना उसके पहले मोहिब ने भी दोस्त ने भी कि इसके साथ तो कोई मर्द ही नहीं रह सकता. उसने कहा every time she'll get married, she'll get divorced. तो आपने बोला इसमें कोई नुक्स है. And again, what I liked about in this one point in the whole of the drama was that how it's highlighting कि हमने शादी को इतना important बना दिया है कि हर औरत की success या failure is measured by
कि क्या उसकी शादी कामयाब थी या है या नहीं है, और वो मुबशिरा जैसी इंडिपेंडेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग विल्ड औरत को भी उसको भी हिला दिया है कि वो कह रही है कि मैं तो बाहर सही थी, आपने बुलाया, शादी कराई और मैं वापस जाना चाहती हूँ, और फिर बाप दोबारा उसको लेकर आता है। मुझे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। बट आई थिंक मुबशिरा को शादी का इतना नहीं है जितना उसकी ईगो हर्ट हुई है, अब तो प्रूफ करना है उसको। सो अब वो किसी से भी, बट योर पॉइंट इज आल्सो वेरी रेलेवेंट एंड स्लाइटली डिफरेंट आई थिंक, कि वो एक औरत कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए अगर उसकी शादी नहीं होगी या एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगी तो आप उसको जज करते और हम बेचारी का वर्ड जरूर लगाएंगे। हाँ, यस, ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू झोक सरकार। ओके जी, लुबना आ गई है वापस, लेकिन लुबना बड़ी एनर्जी के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने जो है ना वो जो आप कहती है ना रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने एक डिस्टेंस रखा है एएसपी अरसलान ने, प्यार से भी बात करी है, लेकिन एक डायलॉग से मुझे थोड़ा सा उनका वो है, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुशी से ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। मैं तो समझ रही थी वो काफ़ी खुश होते चले जा रहे हैं सस्सी के साथ। नहीं, बट अगर ये बात टू एंड टू साथ करो तो सही भी है, वो ससी की तरफ कोई उन्होंने इनिशिएटिव तो नहीं लिया, तो व्हेनेवर ही मीट्स सर कि आप सिर्फ बच्चों से तो एक थी या मुझसे भी खुश थी, वो कह रहे हैं ना कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कोशिश का एक स्टेप है, बट वी हैवंट सीन हिम टेकिंग एनी इनिशिएटिव टुवर्ड्स हर, सेंडिंग हर एनी मैसेज और गोइंग टू मीट हर एनीथिंग। तो ठीक है, फिर मेरा सवाल ये है, क्या एएसपी अरसलान बिल्कुल परफेक्ट हैं? नहीं, तो बताएं ना, पता चलेगी हमें क्या। बट मुझे एएसपी अरसलान में इम्परफेक्शन, नहीं एएसपी अरसलान में मुझे इम्परफेक्शन ढूंढने की क्या जरूरत है, क्यों ढूंढूं मैं इम्परफेक्शन? बिकॉज़ ही इज ह्यूमन, ही हैज टू बी। नो, ये क्यों, एक ओके एक लॉजिकल कैरेक्टर दिखाया अभी तक जो कुछ वो कर रहे हैं उस चीज की समझ आती है, जहां नहीं समझ आ रही थी वो हमने कहा पहले, यू नो जहां समझ आ रही है वो अभी तक करें, जहाँ नहीं समझ आएगी हो सकता है फिर अभी तक सब कुछ समझ आया है। अब तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाशिम नदीम साहब ने जो कैरेक्टर लिखा है और फरहान सईद साहब ने जो परफॉर्म किया है, तो वो दोनों के दोनों ना यूं करके मिल गए हैं, और सैफी साहब ने जो डायरेक्ट किया है तो वो ऐसे मिले हैं कि हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये कुछ गलत कर सकता है या इसने किया हो। ही हैज़ एंड ऐसी कोई तीर भी नहीं, हाँ वो तो दूसरी बातें करियर वाइज जो वो कर रहे हैं, ही इज़ जस्ट डूइंग लाइक यू सेड द राइट थिंग्स एट द ही सेइंग द राइट थिंग्स, ही इज़ behaving in the right manner. Actually, क्या होता है, जैसे रजिया पे ये बातें हो रही थी ना कि ये तो बेसिक राइट्स हैं जो एक इंसान या औरत के होने चाहिए, एंड हम या कोई बहुत अच्छा हम हस्बैंड देख लेते तो हम कहते हैं वाओ भाई, ये तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ हस्बैंड अ नाइस ह्यूमन बीइंग यू शुड बी डूइंग दीज थिंग्स, लेकिन क्योंकि हमें नज़र नहीं आती तो हम इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं वाओ। तो इसी तरीके से ये एएसपी अरसलान जो कुछ कर रहा है वो तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को करनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि हमें ड्रामों में भी नजर नहीं आती, हमें आसपास भी नजर नहीं आती, तो वी आर लाइक ओ वाओ ही इज अ हीरो, बट अगर तुम देखो तो वो जो कर रहा है वो तो उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी तो चलो मैं कहूंगी कि वो थोड़ा सा उनमें ज्यादा बहादुरी है और वो ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनके अंदर, लेकिन एज अ मैन व्हाट ही इज डूइंग, एज अ पर्सन व्हाट ही इज डूइंग, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी, उसमें सिर्फ डूइंग द राइट थिंग मैटर्स और वो आप कर सकते हैं, सो आई फील दैट देयर ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव मैसेजेस इन हिज कैरेक्टर। और अभी भी जब जिस तरीके से पूरे लुबना की चीज को उन्होंने डील किया, इट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल, ही डिडंट क्रॉस द लाइन, इनफैक्ट लुबना के हस्बैंड को भी जो जाके बोला तो इट वाज वेरी क्लियर कि वो एक दोस्ती का माहौल करना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू रिमूव, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं हो, उन्होंने बहुत खुले दिल से उसको ऑफर की, तो वो चीजें तो हैं, लेकिन मुझे इस बार की एपिसोड थोड़ी सी बोरिंग लगी, एंड सॉरी बट वो लुबना की, यस बिकॉज मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, अब आपने मुझे वो थ्रिलर दिखाया है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एएसपी अरसलान एंड ससीज यू नो डायलॉग्स, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कि मीरल क्या कर रहा है, क्योंकि आपने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, एंड आई रियली लाइक द लास्ट पार्ट जो हुआ वो बड़ा, गोइंग बैक वेरी क्विकली, लुबना का कुछ सिग्निफिकेंस होगा जो आगे जाके पता चलेगा, बट वो यस ओके, लेकिन ये भी है कि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं है, एक ओपन एंडेड ओपन थ्रेड नहीं छोड़ा, उसको रैप कर रहे हैं, वो आई है तो बिल्कुल उनके हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड को थोड़ा सा तो हुआ, उसने कहा ना, उसने यूं करके देखा, उसने कहा अरसलान नहीं नहीं मैंने बैच पे पढ़ लिया था, सो दैट वाज देयर, बट अच्छा था। सो पूरा जो वो एंड स्कीम थी इकबाल की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि वो लेके जाते हैं, आई वॉज कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि अब क्या होगा अब क्या होगा, और फिर मीरल पूरा प्लान कर रहे हैं, हालांकि उसको मना भी कर रहे हैं, फिर जो उन्होंने किया
और वो घोड़ों पे जब उन्होंने हमें दिखा के हल्का सा झलक दे दी ना, तो आई वाज लाइक फिर मजा आ रहा था कि अब मीरल को शिकस्त होगी, अब बेटा मीरल तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें तो एएसपी अरसलान ने बेवकूफ बना दिया. तो इट वाज ऑल वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड द वैन दैट ओपनड. तो अब ओके, दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स शोज, इन अ लॉट ऑफ अदर मूवीज आल्सो, कि आप खोलते हैं अंदर वो आदमी नहीं होता. बट आई हैव टू से वी हैवंट सीन इट इन पाकिस्तानी ड्रामा, सो आई एम ओके इफ दे फाइनली शोड इट, दे फाइनली शोड दैट दे कैन गो देयर एंड दे कैन डू समथिंग इंटेलिजेंट. एंड घोड़ों पे अगेन वाज अ ग्रेट मूव. एंड आल्सो देयर वाज अ सरप्राइज एलिमेंट बिकॉज टीजर में उन्होंने नहीं दिखाया था ये. मुझे सिर्फ इतना सा लगता है कि वो जो उन्होंने घोड़ों पे दिखा दिया तो मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो गई थी. तो मैं सोचती हूँ शायद घोड़ा का सीन बाद में अगर आ जाता उसके बाद, क्योंकि मुझे जब कहा मुझे था ना, मुझे हिंट उधर से मिल गई कि ओ इसका मतलब है इधर वैन में वो नहीं है. उसने तो, जब कहा था ना कि उनको मेरे प्लान के बारे में पता है या समथिंग, मुझे वहाँ हिंट मिल गई थी जब वो लेकर जा रहा था इकबाल, क्योंकि अच्छा ये नहीं होगा इसके अंदर वैन के अंदर. तो देखो okay, नहीं मैंने इतना नहीं सोचा था, मुझे ये हो रहा था कि कुछ ना कुछ मीरल करेगा और कहाँ पकड़ेगा. लेकिन वो जब घोड़े पे हमने दिखाया ना कि वो रुमाल बांधे हुए घोड़े पे सम पुलिस ऑफिसर्स आर राइडिंग, तो वहाँ से मुझे समझ आ गई थी अच्छा ये एएसपी अरसलान ने कुछ किया है. तो आई एम थिंकिंग कि अगर वो मुझे जीप के सीन के बाद दिखाते तो शायद मैं फिर वाकई बहुत ज्यादा सरप्राइज होती कि ओ ये वो नहीं है, रुका नहीं गया. हाँ मेकर बट ठीक है, इट्स ओके, आई स्टिल एंजॉयड वाचिंग इट. वी रियली एंजॉयड एंड आई लाइक इट कि झोक सरकार जो है ना वो एंड पे आके एक ऐसा सीन देता है जिसमें वो हमें बता भी देता है. इट्स नॉट दैट अनोइंग काइंड ऑफ क्लिफहैंगर वेयर दे स्टॉप इट, दे शो अस बट देन वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड कि अब क्या होगा. जी नूरी जो है वो प्रेग्नेंट है. नूरी इज प्रेगनेंट एंड वो उनको जहर देना चाह रही है बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क. अच्छा जहर भी उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चे को खत्म करने के लिए शी वांट है. तो या उस पे अब क्या पीरल पे कोई फर्क पड़ेगा, नूरी पे कोई फर्क पड़ेगा? विल शी बिकम अ लिटिल लेस एग्रेसिव टुवर्ड्स और लिटिल लेस कंप्लेनिंग टुवर्ड्स पीरल? कुछ होगा, अब उसके बच्चे की माँ बन रही है तो इतनी वो बेझिझक होके शायद ना लड़ सके क्योंकि अभी तक तो उसको अपनी जान की परवाह नहीं थी. तो ये या वो बच्चा ही खत्म करने की कोशिश कर दे. आई थिंक नूरी है, मैं नूरी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. ह्यूमैनिटी बची है आई थिंक. आई डोंट थिंक हो सकता है शी विल, लेकिन अभी उसको ये पक्का नहीं पता कि शौकत हैज डाइड, उसको लग रहा है. सो ये थोड़ा सा अभी आई एम नॉट श्योर. ठीक है जी, क्योंकि कभी कभी आप रिवेंज में इतने पागल हो जाते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हें चाहिए तो ये मुझे भी तकलीफ देगी, तब भी मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं देने दूंगा. एंड नूरी से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. हाँ बिकॉज नूरी का कोई मुझे आगे नजर नहीं आ रहा अनलेस कि नूरी बिकम्स दिस फोर्स इन जोक से आल हो चेंजेस. हाँ मुझे भी लगता है नूरी को मोस्ट प्रोबब्ली विल सी हर. हाँ एग्जिट, एग्जिट टुवर्ड्स द एंड, नॉट एग्जिट बट आफ्टर मेकिंग श्योर शी हर्ट्स मिस्टर पीरल. ठीक है जी, वी विल गो टू द वन एंड ओनली काबी पुलाव. यस काले कर दिए उन्होंने अपने, सेया कर दिए अपने बाल. और इतना फर्क नहीं. आई थिंक दे ब्रॉट इन एन एलिमेंट ऑफ रियलिटी इन द ड्रामा जो अभी तक हमें बहुत ड्रीमी 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 लेकर जा रहा था कि वो लोगों से दूर भी चले गए लेकिन फिर भी एक नए शहर में भी आके नए लोगों से आके भी वो छोड़ नहीं सके ये सब कुछ जो वो छोड़ना चाह रहे थे. सो इन दैट सेंस आई डिड गेट इट. इट्स आई डोंट सी, आई थिंक आई सी थिंग्स गोइंग डाउनहिल फॉर द टू ऑफ देम नाउ. अच्छा मैंने इतना नहीं सोचा था. मुझे ये चीज़ लगी कि ड्रामा बड़ी इंटेलिजेंटली दिखा रहा है कि दो लोग आपस में बिल्कुल कम्प्लीटली खुश रह रहे हो सकते हैं लेकिन जो आउटसाइड प्रेशर्स होते हैं, जो आउटसाइड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आउटसाइड मशवरे होते हैं वो कभी कभी उस रिलेशनशिप को करप्ट कर देते हैं. या आपको मतलब बारबीना इज़ नॉट बॉदर्ड के हाजी साहब कैसे लगते हैं लेकिन ये हाजरा का जो कैरेक्टर है वो उसको उस चीज़ पे लेके जा रहा है. उसने उसको बोला काट छाँट कराओ यू नो और उसने भी कर लिया. तो वो उसके जहन में एक नई रूह डाल रही है सोच की जो बारबीना में ओरिजिनली नहीं थी. और हाजी साहब भी मान गए क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटी थी. वाज वेरी अनकंफर्टेबल लेकिन उनकी अपनी इनसिक्योरिटी थी अंदर ही अंदर जिस पे उन्होंने प्ले किया. तो इनसिक्योरिटीज तो हर इंसान के अंदर होती है ना. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरीके से आउटसाइड ये एज अ सोसाइटी हम कैसे लोगों को उनकी वर्स्ट साइड या उनको एक बुरी चीज़ नहीं मतलब उनकी एक पुरसकून जिंदगी में हम एक तूफान क्रिएट कर सकते हैं. हम सोसाइटी बिल्कुल. और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो ड्रामा आप कैसे सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर या जो भी हाजरा कर रही है उस चीज़ को लेकर आ रही है क्योंकि वो पूरी उनको फिल्म कर रही है, उनकी स्टोरी को रिलीज करना चाह रही है और बता नहीं रही उनको. मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि उसने कहा नहीं अभी कहानी पूरी नहीं है अभी तो ये लोग लड़ेंगे. दैट विल बी द फन पार्ट. एंड दे आर नॉट जस्ट प्लेइंग विद सोशल मीडिया हियर जो हम हमेशा कहते हैं ना ये लोग बुरे हैं
ये लोग करते हैं, दे आर टेलिंग अस वॉट वी डू, वाई वी वॉच इट, वी माइट नॉट, और वो कह रही है ये तो इसमें तो कुछ होगा नहीं जब तक ये लोग लड़ेंगे, फिर लोग देखेंगे इनकी कहानी. मतलब जस्ट फॉर द फैक्ट ये एक अपलिफ्टिंग कहानी है, इसको हम नहीं देखेंगे. अब काबली पुलाव में भी यही हो रहा है, लेकिन ये हाजरा की अपनी चीज भी हो सकती है जो उसके अंदर हो, कि तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों लड़ते हैं और तुम्हारी बड़ी बड़ी परफेक्ट जिंदगी है, तो बेटा तुम लोगों को भी मैं ये बताती हूँ जो वो भी होता है, वो सब कुछ कर रही है, यू नो. तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. द अदर पार्ट दैट आई लाइक वो जो उसका लैंडलॉर्ड है जो उसको बताता है, बट हाजी साहब फिर इन द एंड डिसाइड्स कि मैं काबली पुलाव बेचूंगा, तो आके उसको कहता है कि औरत और नशे की चीज के बगैर बिजनेस नहीं चलता. तो वो एक चीज थी. ऑफ कोर्स हाजी साहब विल नॉट गो, ऑफ कोर्स वी डोंट एग्री विद इट, लेकिन वो दिखा रहे ना कि वो कॉर्नर हो रहा है, जो हाजी साहब का बड़ा काम सा प्रोफाइल है वो उसको ब्रेक करे ना आहिस्ता आहिस्ता. क्योंकि तुम देखो वो तीन दिन देज का लेकर आते हैं, तीन रातें या जो भी, एवरी टाइम ही ब्रिंग्स इट, उनके कंधे झुके हुए हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब है और ज्यादा भरा हुआ है. एंड यू आल्सो सी बारबीनाज रिएक्शन एंड दिस इज साइलेंस, कि बारबीना पे इफेक्ट हो, को रियलाइजेशन हो रही है कि दिस इज नॉट वर्किंग, एंड ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टेड ब्यूटिफुली विदाउट एनी डायलॉग्स, बट इज शोइंग समथिंग इज हैपनिंग टू हिम, टू हिज स्पिरिट. अभी तक तो वो चल रहे थे ना. आई लव द फर्स्ट टाइम जब ही ब्रॉट ब्रिंग्स इट बैक और वो कहती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड ही सेड कि नहीं हमारी बिजनेस के लिए बहुत खराब होगा कि हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, बिकॉज ही ऑलवेज हैड दैट बिजनेस सेंस. पीछे पहले भी जब उनको शॉप पे दिखाया था तो ही वाज सेइंग कि नहीं ये आपके यहाँ चुभेगा तो आप ये वाला यूज करें. ऑल्दो आई डिड फाइंड इट अ लिटिल, आई वुडन्ट हैव थोड़ा सा मुझे लगा था, बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ हिज बिजनेस सेंस ओवर हियर दैट ही हैज दैट इन हिम. एंड अब पता नहीं आगे चल के उसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, लेकिन अभी तो ही इज वी गोना सी अ साइड ऑफ हिम वी हैवंट सीन सो फार, व्हिच आई डोंट वांट टू सी. लेट्स सी. तो एवरीबॉडी इज नॉट, कोई भी परफेक्ट नहीं ना करेगी ना, कोई परफेक्ट नहीं होता ना, तो इवेंचुअली तो चीजें होती हैं. और फिर जब, और वही होता है जब आइसोलेशन से निकल के आप जिंदगी की रियलिटीज़ में जाते हैं, तो फिर वो रियलिटीज़ आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करती ही हैं. सो लेट्स सी. लेकिन देखो एक तरफ तो उनका बिजनेस हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो दिखा रहे हैं कि उनके रिएक्शंस विल बी लाइक अ टिपिकल मैन. सो ये जो एज गैप की जो शादी हुई है ये एक्चुअली माइट नॉट सर्व इट्स पर्पस जब रियल लाइफ में बारबीना एंड हाजी मुश्ताक स्टेप इन, क्योंकि अगर वो बेचेगी काबली पुलाव एंड ब्ला 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 तो हाजी मुश्ताक विल नॉट लाइक इट. सो ही इज़ नॉट एज एलिवेटेड एज वी थॉट ही इज. मैं हाजी साहब से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही दैट ही विल बी ओके, बिकॉज वो जिस तरह के बैकग्राउंड से दिखाएं वो करें, आई थिंक ही वुड हैव एन इशू विद बारबीना डूइंग दिस. सो इसमें मैं नहीं. So then it's okay. For him to react the way he would be reacting. I mean, he would not be okay with it. That's what because ऐसे ही background दिखाया ना उन्होंने. But he would be okay taking it out on Barbina. He has never done that. No. लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि it defies the purpose of their marriage. Just because there is an age difference does not mean that he is supposed to be perfect or he is not supposed to do these things. वो तो एक इंसान है, उनकी जो नेचर है वो तो रहेंगे. सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू से सिक्योरिटी ज्यादा है क्योंकि वो ओल्डर है और वो यंग है. वो एक चीज ये भी हो सकती है और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जस्ट लाइक एनी अदर कपल उनके दरमियान भी डिफरेंसेस होंगे. लाइक अगेन वो ये बात भी हो सकती है कि उनकी इनसिक्योरिटी ज्यादा होंगी, और आप ये पॉइंट भी दे सकते हैं कि वो शादी भी किसी भी शादी की तरह है जहाँ मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि आपको एक सेम एज के लड़का लड़की भी तो दिखाए हैं ना, जो गाड़ी में 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं और वो लड़की कितनी बदतमीजी से उससे बात कर रही है अपने मियाँ से. सो दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ डायनामिक्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मैरिज. इंटरेस्टिंग है. मुझे नहीं समझ आई कि हाजी साहब को दुकान छोड़ने की क्या जरूरत थी जब उनके भाई की कॉल आई, क्योंकि वो वहाँ रह सकते थे. उसकी गलती भी नहीं थी. ही वॉज वेरी हार्श टुवर्ड्स हिम, और वो क्योंकि घर वाले अगर आना चाहते तो वो पहुंच जाते, वो नहीं पहुंचे, उन्होंने सिर्फ फोन पे बात की. और वो तो उसी शहर में, वो तो ढूंढ लेते हैं उनको ना, तो वो नहीं मुझे समझ आया. आई एक्सपेक्टेड कि घर वालों तक अभी स्टोरी वाइज बहुत अच्छी जा रही है स्टोरी, बट नाउ आई वुड हैव वांटेड घर वालों को पता चल जाए कि वो क्यों गए हैं, जो उनको अभी तक नहीं पता. और उसके बाद गफार की तरफ आ जाएं आप. तो गफार तो आपको सरप्राइज करना बंद नहीं करते. एवरी टाइम यू थिंक कुछ हो गया, गफार इज लाइक नो आई हैव मोर इन माय. यस एंड शम्मो इज जस्ट सो डिसअपॉइंटिंग. शी सो, क्योंकि अब तो उसको पता है वो गलत कर रही है, वो अपने घर वालों को नहीं बता रही. बट देन आप ये भी दिखा रहे हैं कि गफार ने उसकी इसके ऊपर प्ले किया है दैट यू कांट हैव चिल्ड्रन, तो इस वजह से तो मुझे घर के पैसे तो दे सकती हो. एंड दैट लो सेल्फ स्टीम इज को इज प्लेइंग ऑन एवरीथिंग शी इज डूइंग, बिकॉज वो होप अगेंस्ट होप कर रही है अब तो ये ठीक हो जाएगा, अब तो ये ठीक हो जाएगा, नाउ ही इज गोना बी नाइस टू मी.
She's trying to make up to him for the child. वो एक चीज़ जो उसकी है वो भी जाने देगी, वो भी जाने और वो उसको ये भी कहता है बारबीना के लिए तो उसने इतना बड़ा महल खरीद के रखा हुआ है उधर इस्लामाबाद में या पता नहीं कहाँ, झूठा। And again, वो मतलब चम्मो अपने भाई के लिए एक भी अच्छी बात नहीं सोचती। This I find a little too extreme. I find कि उसके अंदर थोड़ा सा humanity या थोड़ा सा softness अपने घर वालों के लिए दिखानी चाहिए थी। किसी के लिए भी नहीं है, सवाई गफ्फार के। Which is really sad. I think it's unfair to Chamo's character. Yeah, true. But otherwise, Kabli Pulao is going strong. Oh, Shamim. How can we? Yes. मैं सोच रही थी शमीम जी। Okay जी, हाँ मेरा सवाल जो मैं आपसे कर चुकी हूँ पहले, कर लूँ? रेडी हैं आप, तैयार जवाब? नहीं, हम पहले डिस्कस कर लेते कि क्या शमीम और इलियास कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल नहीं रहा इलियास की तरफ से। मैंने गलत बोला, सॉरी। इज देयर समथिंग लाइक इज इलियास थिंकिंग ऑन अदर लाइंस? इलियास के दिल में कुछ कुछ होता है फॉर शमीम, और बहुत सालों से हो रहा था। एट दैट टाइम इट वुड हैव बीन वेरी इनअप्रोप्रिएट बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन उसने बताया कि आई ऑलवेज फेल्ट, क्योंकि मेरी ये सारी महरूमियाँ थी और ये हुआ था एंड आपने मुझे वो शफकत दी, वो प्यार दिया, तो इट हैज़ ग्रोन टू दिस नाउ। And now actually I understand why he was so bitter against yes, और ये भी उन्होंने बताया, so thank you for giving the back story to why he is the way he is. He said वो आके हमेशा, और also seeing के शमीम का जो है सारा वो उनके ऊपर ही है ना attention, हाजी मुश्ताक पे, इस वजह से भी उसको गुस्सा आ रहा था। लेकिन आपने, अब मेरा सवाल ये है कि जब हमने शुरू में हाजी मुश्ताक और इनकी कहानी देखी बारबीना की, और हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा ओ दे गोंट कमिंग टुगेदर, विल इट बी, फिर दोस्ती भी हो गई आपस में, रिस्पेक्ट हो गया, फिर राबिया ने पूछा नहीं लेकिन रोमांस नहीं है, नहीं लेकिन बस यहीं तक रुक जाएगी, लेकिन फिर हमने देखा कि एवरी थिंग वॉज देयर, सो इट वॉज अ फुली फ्लैश्ड आउट कम्प्लीट रिलेशनशिप। Will we now want the same for Ilyas and Shamim? Hi, Huzaifa ki taraf mat dekhe, wo jawab nahi dekh rahi. Main honest bata rahi hu ki this is me as a society talking. Maybe not. Maybe not. And I feel very sad saying that, but I'm working on myself and working towards accepting relationships also, because maybe ek drama mein ye dono cheeze dikha rahe hain. I would like it to focus on one thing. I want to be this open-minded that say ke it's perfectly okay. So मैं honestly speaking बीच में हूँ, and this is how Kabli Pulao is making me think about these things and making people like me, or at least making me change my point of view. So I think that this is the magic of Kabli Pulao so far, or rather Kabli Pulao ने अब ये जब उठाया है narrative, तो उनको हमें साथ लेकर चलना होगा। क्या वो हमें, हमारा mindset यहाँ change कर सकते हैं? और उसको जो हम मुश्किल समझ रहे थे वो बनिस्बत ज़्यादा आसान था, अब मुझे लग रहा है as opposed to this यहाँ कर सक। किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने बिल्कुल बीच में देखा था Kabli Pulao, उन्होंने कहा लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इस टाइप का हीरो हो सकता है हाजी मुश्ताक को। मैंने कहा नहीं, तो फिर चैलेंज क्या होता? चैलेंज तो यही था ना कि हम वहाँ से चले, हम यहाँ पहुँचे। सो आई थिंक दैट इज़ अ चैलेंज वेयर दे विल टेक अस फ्रॉम हियर, बिकॉज इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थिंग। क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है शमीम और इलियास के रिश्ते को? और क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं? या So Kabli Pulao is making you think about a lot of things. अभी तो खैर शमीम भी नहीं accept कर रही। हाँ, शमीम भी नहीं। मेरा शमीम ने कभी सोचा ही नहीं। I don't think she will do it. But the thing is that for me it's more, मैं अगर सोचूँ बहुत ज़्यादा तो it's just like कि मैं ड्रामे को एक चीज़ पे फोकस कर रही थी, तो ये मेरे लिए एज अ सरप्राइज भी आया है। But the more I'll go forward, maybe you know I will also be okay. So we were not expecting this. We were just focusing on this. तो ये एकदम से आउट ऑफ द ब्लू हमारे पास, तो इसलिए भी हम थोड़ा सा इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग। आपके पास एक हफ्ता है सोचने के लिए, आप आराम से सोचें। नहीं, मैंने सोच लिया, आई एम ओके। मैंने सोच लिया, मैंने तो आपको इनिशियल बताई थी, आई जो भाई जिसमें जो खुश है उसकी खुशी इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो जियो और जीने दो के उस पर होती हूँ, तो मैं जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी अगर शमीम इज एग्रीड। तो आई डू हैव टू से दैट परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट, एंड काबली पुलाव इन इट सेल्फ, देखो ये इनकी कहानी कितनी स्ट्रॉन्ग थी हाजी मुश्ताक एंड बारबीना की, लेकिन उन्होंने इतने सपोर्टिंग कास्ट को इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स, फ्लैश्ड आउट वेल डेवलप्ड नैरेटिव्स दिए कि हम में एक्चुअली इंटरेस्ट है कि आगे क्या होगा, एंड दैट्स जस्ट सुपर्ब स्टोरी टेलिंग एंड एग्जीक्यूशन। दैट इज़ ऑल। शाजी आपने कुछ कहना है या हम रैप अप करें? नहीं जी, हम रैप अप कर लेते हैं राबिया, आप फिकर नॉट, आई विल कम बैक ऑन मंडे विद समथिंग्स। या मिलती है। ओके चलिए जी, आप सब अपने व्यूज कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।